174 ऑल आउट हो गए हो आप, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक और बार, एक और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया नहीं है, पेला बोलूंगा मैं, मतलब बुरी तरीके से पेला है। आप वन साइडेड हार रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, आप मैच में ही नहीं होते। WTC फाइनल क्या आप मैच में थे? बिल्कुल भी नहीं। ODI वर्ल्ड कप फाइनल क्या आप मैच में थे? फिटे मुंह तुम्हारे। जमा ही नहीं, Under-19 वर्ल्ड कप फाइनल क्या आप मैच में थे? बिल्कुल कमरे से नहीं निकले। भी नहीं थे, बिकॉज पूरे टूर्नामेंट में, अच्छा ये पूरा आप देख लो, WTC की साइकिल नंबर वन टीम कौन थी? इंडिया। इंडिया सबसे आगे कौन चल रहा है? इंडिया। फेवरेट्स कौन? इंडिया। ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, नंबर वन टीम कौन थी? सबसे आगे कौन चल रहा है? इंडिया। डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडिया। Under-19 वर्ल्ड कप में देख लो, सबसे आगे टीम कौन थी? इंडिया। डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडिया। हर टीम को हरा रही है इंडिया, स्मूथली पहुंच रही है फाइनल तक। और फाइनल में क्या हुआ, चाहे वो WTC का फाइनल हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे Under-19 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, वन साइडेड धुलाई, वन साइडेड छितरौल, वन साइडेड पिटाई, वन साइडेड पिलाई, बुरी तरह से मार मार के आपके पर खच्चे उड़ा के रख दिए। और तीनों बार एक ही नेशन, सीनियर आ रहे हैं वो मार रहे हैं, जूनियर आ रहे हैं वो डबल मार रहे हैं, तो क्यों ये आपके साथ हो रहा है? बड़े लोग हमें बोल रहे हैं भाई यही तो बच्चे हैं यार, बच्चों पे क्यों गुस्सा? बच्चों पे कोई गुस्सा नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले भी बच्चे अंडर 19 आप हार गए, कोई टेंशन नहीं है, चलो हमारा फ्यूचर है, आगे आके और बेटर करेंगे हम, कोई इनकी ज्यादा बुराई नहीं करते। लेकिन ये क्या कारण है कि इंडियन टीम जब भी फाइनल में आती है तो क्रिकेट खेलना ही भूल जाती है? ये कॉमन फैक्टर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप मैच हारो, आप लड़के हार जाओ, आप मुझे बता बात बता दो, ये सहारन जी, ये सचिन जी, ये मुशीर मेरा भाई, ये ऐसी बैटिंग करते हैं क्या? ये तो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, एंड में आके वो हमारे मुर्गन भाई ने 40-50 रन मार दिए, उसी ने थोड़ी होप दी, तो थोड़ा सा लंबा खिंच गया मैच, वरना तो आप बहुत पहले आप बाहर हो गए थे मैच के, एक बंदे से बैटिंग नहीं हुई, बॉलिंग तुम कराने आए, उल्टी सीधी आपकी स्पिनर, आपके बड़ा हुआ बनाया हुआ था स्पिनर जी, आपके बड़े तुर्रम खां हैं, स्पिनर्स को रख रख के उन्होंने मारा, उनके स्पिनर को आप बड़ा अच्छा स्पिन खेलते हो जी, उनके स्पिनर्स ने आपको उड़ा के रख दिया, उनके पेसर आपको समझ नहीं आए, स्पिनर्स ने उड़ा के रख दिया। मैं अगेन वही बात बोलता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मैच हार जाओ नो प्रॉब्लम, आप WTC फाइनल हार जाओ, आप ODI वर्ल्ड कप फाइनल हार जाओ, आप Under-19 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सपोर्ट करते टीम को करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या हो जाता है फाइनल में आके कि आप क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं, कि आप गली मोहल्ले की टीम टाइप लगने लग जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आदर्श सिंह तो पता नहीं कौन से आदर्शों पे चले हैं आज, कौन से आदर्श असूल थे इनके, KL राहुल आदर्श, ये 61 की स्ट्राइक रेट से क्या साबित करना चाहता था ये आदमी मुझे समझ नहीं आई, लास्ट में थोड़ा सा रन मारे हैं इसने तब जाके इसकी स्ट्राइक रेट ऊपर हुई है, वरना ये तो एक टाइम पे मेरे ख्याल 40 बॉलों में 15 रन या ऐसा खेल रहा था। ये कुलकर्णी भाई साहब आए 6 बॉलों पे 3 रन, मुशीर खान की कैच छूट गई, अच्छा खासा सेंचुरी भी मार के आया हुआ है, 2 सेंचुरी मार चुका है, उसके बावजूद पिछले 2-3 मैच से खेला नहीं जा रहा, हाथ की कैच, इससे ज्यादा ऊपर वाला क्या देगा भाई तुझे, हाथ की कैच सीधा उसके हाथ में जा रही है, वो छूट भी गई, फिर ये बियर्ड मैन आया है, पता नहीं कौन सी बियर्ड लेके आया है ये, उसको देख के आउट हो गया कि बॉल नीचे रह गई या क्या हो गया, सारे ड्रामे हमारे साथ ही होने होते हैं। आज रन बनाने थे भाई फाइनल में, उदय सहारन हमारे कप्तान, सबसे सारा भरोसा जिन पे था, 18 बॉलों में 8 रन, चौके वाली बॉल सीधी हाथ में मार दी कप्तान, उनके कप्तान के सीधी हाथ में मार दी है ना, विगन के हाथ में, ह्यू विगन के हाथ में सीधी मार के भाई साहब उदय सहारन भी चले गए। सचिन दास जी जिनसे बहुत उम्मीद थी 9 रन, मोलिया, वैसे मोलिया टीम में क्यों, मुझे अभी तक ये मोलिया दे रहा गोलिया इसकी समझ नहीं आ रही मुझे, मोलिया ने वैसे लास्ट बार रन कम मारे थे मोलिया जी ने, किस बेसिस पे कम, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, मोलिया आयरलैंड के सामने 30 रन हाईएस्ट नहीं, कौन ये मोलिया की गोलियां कब तक चलेंगी भाई, ये गोलियां ही है, किस बात की गोलियां चल रही है, गोली दे रहे हैं बस, मोलिया जी चले गए, देखो ना 8-9-9-3, ये फाइनल में हमें क्या हो जाता है भाई, पूरा मिडल ऑर्डर फाइनल में तबाह, उससे पहले दे 100, उसका 100, उसका 50, उसके 60, उसके 70, जैसे ही फाइनल में आते हैं ये 8 पे, वो 2 पे, वो 3 पे, वो 0 पे अविनाश, वो तो मैं जैसे बोल रहा हूँ मुर्गन अभिषेक ने, अच्छा आप ये देख लो, जब आप मैच हार गए, फॉलो विकेट्स दिखा देना एक बार, जब आप मैच हार गए थे ये अविनाश अविनाश जब आउट हो गए, सचिन दास सहारन वगैरह आउट हो गए, हाँ वो खुल के खेलने लग गया मुर्गन, उसने कैसे रन मार दिया भाई, फिर उसके बाद
आप 91 for 6, 115 for 7, 122 for 8, मैच तो खत्म था, 122 for 8 के बाद मैच खत्म था। यहां से 168 तक 40 रन कैसे पहुंचे, कैसे मारा उसने मुरुगन ने, रख रख के सीधे के चौके मारने शुरू कर दिए, छक्का भी उसने मार दिया। उसने बैटिंग कैसे कर ली वैसे मुरुगन ने, बड़े बड़े, क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं लिया उसने, वहां पे प्रेशर खत्म हो गया था कि यार हार तो चुके ही हैं अब मारो। जब ऐसे एटीट्यूड के साथ उसने खेला नेचुरल गेम, तो ये बच्चे बॉलिंग लग रही थी फिर इनकी। जब तक आप टुक 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 देख रहे हो जी, अपना शुरू में देख लिया था, टुक टुक शुरू हो गई थी। मैं बोल भी रहा हूं 8 ओवर में रन ही नहीं आ रहे, विल्डर के ओवर में तो भाई पता नहीं 4 ओवर में 3 run 1 wicket था विल्डर, विटलर 4 ओवर 3 run 1 wicket। जब स्टार्ट ही ऐसी दोगे बुजदिलो वाली तो कहां से जीतोगे। ओवरटली वॉचफुल, 3 for 1, 40 for 2, 55 for 3, 68 for 4, 90 for 5, 91 for 6, खत्म मामला। उसके बाद तो जहन्नम की लानत ना बोले तो क्या बोले फिर इस अप्रोच पे। अब आप अंडर 19 हो जी, बच्चे हैं जी, छोटे हैं जी, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, ये हमें क्यों पकड़ रहे सारे। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया भाई, हमारे गले पड़ गया ऑस्ट्रेलिया। जब देखो ऑस्ट्रेलिया आपको मार गया जी, जब देखो ऑस्ट्रेलिया आपको फोड़ गया जी, वो आते हैं मजाक मजूक करके आईपीएल में चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आईपीएल से। तो तुम छोड़ दो ना यार, मैं तो कितने टाइम से बोल रहा हूं मत खेलो भाई, आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलो। अभी भी डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव नो प्रॉब्लम विद अंडर 19 किड्स लूजिंग इन द फाइनल, नो प्रॉब्लम, बट इफ आई कैन बी रियली ऑनेस्ट, देर इज अ वे टू लूज अ मैच। आई थिंक उस दिन मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ट्वीट कराया कि पाकिस्तानी अंडर 19 के बच्चे जैसा खेले हैं वो सीनियर टीम से बेटर खेले हैं, बिल्कुल उनकी इज्जत आंखों में बढ़ गई। 180 पे मैच फंसा गए, एंड तक फाइट करते रहे, 9 विकेट आउट कर दी, मैच थोड़ा इधर या थोड़ा उधर जान दिखाई उन्होंने। आपने क्या दिखाया, आपने क्या दिखाया, तमाशा दिखाया आपने, अपना इज्जत का फलूदा कराया आपने, जबकि सबसे तगड़ी साइड आपकी, सबसे ज्यादा बैटिंग आपकी, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास, सबसे मेच्योर प्लेयर्स, ऑलराउंड टीम, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, स्पिनर भी है, सब कुछ आपके पास है, पेसर भी है, लिंबानी को देख लीजिए, तिवारी जी को देख लीजिए, सब कुछ आपके पास है, कप्तान इतना बढ़िया, उदय सहारन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या कारण है कि फाइनल में आके तुम्हारी टांगे कांप जाती है भाई, इसका कोई तो इलाज निकाल लो, कभी तो चैन की सांस लेने दो। अच्छा वहां से आ रहे हैं जी उनके सिंह साहब दी ग्रेट आए ना, वो भी बढ़िया, मैं लिख रहा हूं कि आज आपको सिंह साहब दी ग्रेट से बच के रहना पड़ेगा। तो मुझे लोग लिख रहे हैं इंडियंस, क्या बोलता रहता है सुशांत, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, हरजंस है ना उसका नाम, हरजस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला जी, हरजस कहां से आज मार देगा, 16 रन हाईएस्ट है। मैं बोल रहा हूं उसके पापा मम्मी क्राउड में बैठे हुए हैं, पूरे टूर्नामेंट में उसके रन नहीं आए हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप नहीं किया, बिकॉज वो सिलेक्ट करते मेरिट पे, मतलब बंदे में दम है, और जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं आए तो आज ही मारेगा, बिकॉज आज ही जरूरत है, वो आज ही ठोक गया, हाईएस्ट रन गेटर वो हो गया, हाईएस्ट रन स्कोर इन द इंटायर मैच, दोनों टीमें मिला के 55 रन, हरजस सिंह, दोनों टीमें मिला के ऐसा आदमी हाईएस्ट स्कोरर बना है जिसने पूरे टूर्नामेंट में रन ही नहीं मारे थे, उसका हाईएस्ट स्कोर ही आज तक का 16 रन था, वो आके तुम्हें फोड़ गया, तुम्हारे बड़े बड़े नाम लटक रहे हैं जी। अंडर 19 को कुछ मत बोलो, ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम को कुछ मत बोलो जी, बड़ा अच्छा खेली टीम, तुम तो ऐसी क्रिटिसाइज करते हो, देखो फाइनल में हार गई, क्या हो गया, WTC फाइनल खेल लिया, बस ये ड्रामे सुनते रहो, वहां पे खुशियां मना रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियंस। तुम पहले ट्रॉफी उनके पैरों में जाके रख दो ना भाई, के ले भी मिचेल स्टार्क, ये ले सारी ट्रॉफी रख दी तेरे पैरों में, इसमें पैर रख ले, हमें परेशान मत कर यार, तू आईपीएल आ जा बस खेलने, आईपीएल कर खेलते 8 महीने का, भाड़ में जाए इंटरनेशनल, टेक अ कॉल, खत्म करो इसको यार, तुम लोग मैच में भी नहीं होते यार, 80-80 रन से हार जाते हो, और इसमें भी 80 रन नहीं है तो 200 रन की भी ऑलमोस्ट उनकी जीत है भाई। हाँ, कितने मैच तुम 200 भी छोड़ दे, 191 for 6 था, तो 150-160 रन की तुम्हारी हार है ऑलमोस्ट, ये देखो 91 for 6, ये 90 for 5 के बाद मैच बचा था, 68 for 4,
मैच तो बचा ही नहीं। और देखो एक बात है और बताऊं आपको, 68 for 4 या तो होता ना भाई मेरा 10 ओवर में तो चलो भाई रन, 20 ओवर में 19.1 में 68 for 4, ना तुमने रन मारे ना तुम विकेट बचा रहे हो, कर क्या रहे थे? ये कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है तुम्हारी? एक राहुल द्रविड़ तो हमारी जान के लिए आई गए हैं नूरी बन के, ये बाद में कौन हमारी चूरी बना रहा है ये बता दो जरा। ये मतलब कौन, ये बुजदिली की इंतहा, कौन हमें कोचिंग करवा रहा है, कौन हमारी स्ट्रेटेजी बनवा रहा है? हम इतने बड़े चोकर तो हम भाई कभी भी नहीं थे। वहां पर भी विवेश लक्ष्मण है आपके इस टीम के साथ, ऋषिकेश कनितकर, ये तो फिर डबल ट्रिपल होगी ना लानत। तो वही बता रहा हूँ कि द्रविड़ के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण से आगे कनितकर, कनितकर के पास अगरकर, यही है वो इसी टीम के साथ वहां पर काम कर रहे थे और यही टीम आपकी अच्छी अच्छा कर रही थी इसके पहले। आज थोड़ा सा प्रेशर डाला, आपसे स्पिनर नहीं खेला गया सबसे बड़ी बात। चलो पेसर को आपने विकेट दे दिया, रैफ मैकमिलन कैसे 10 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लेकर जा सकता है? एक ऑफ स्पिनर भाई मेरी, एक आप एक सिंपल बात बता दो लक्षित जी, आप आज बड़े कॉन्फिडेंट थे, आपने तो यहां तक इसको तो देशद्रोही तक बोल दिया आपने, है ना? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं बड़ी बड़ी बातें, तो देशद्रोही इनको करार दे दिया जी। आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए, मुझे एक बात बता दीजिए, मोहम्मद कैफ जी ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहते हैं? ऑन पेपर इंडिया बेस्ट थी जी, इंडिया बेस्ट थी ऑन पेपर। पता नहीं कौन से पेपर या न्यूज़पेपर में आ रहा है कि हम बेस्ट हैं, क्या हो रहा है यहां पर? आप बोल रहे हैं जी हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग करी है। मैं बोल भी रहा हूं भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी तो हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग करी थी, सीनियर में केएल राहुल के रन थे, श्रेयस के रन थे, विराट के रन थे, रोहित के रन थे, शुभमन के रन थे, किसके रन नहीं थे? इवन सूर्या ने वो इंग्लैंड वाली गेम में रन मार दिए थे, सबने रन मारे थे फाइनल में आके बंटा धार। तो यहां पर भी तो आज यही हुआ, कब तक ये बोलते रहोगे कि ऑन पेपर हम बेस्ट हैं, कागज के शेर हैं, फाइनल में ढेर हैं? हो क्या रहा है हमें भाई फाइनल में आके, हो क्या रहा है? कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करानी पड़ जाएगी, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, होता क्या है ये तो समझा दो मुझे, चाह कह रहे हो? अब तो ना मजाक नहीं करूंगा भाई, शब्द नहीं रहे हैं, लिटरली शब्द नहीं रहे हैं। वुमेन्स का कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड कप हो, हम नॉकआउट में है, फाइनल में है, सेमीफाइनल में है, सामने ऑस्ट्रेलिया दे दो, वी लूज। अंडर 19 के लड़के आए, वी लूज। WTC का फाइनल आया, वी लूज। ODI वर्ल्ड कप का फाइनल आया, वी विल लूज। पता नहीं हो क्या जाता है, अच्छा भला टूर्नामेंट चलता हुआ, भला वुमेन्स में स्मृति मानधना है, जेमिमा रॉड्रिग्स है, सीनियर्स में KL राहुल है, श्रेयस अय्यर है, जो मर्जी आपके बड़े से बड़े नाम है, यहां पर आपके लिए सचिन दास है, मुशीर खान है, उदय सहारन है, भाई मैं कहता हूं भाड़ में का है ये रन स्कोरर, भाड़ में जाइए ये रन स्कोरर। Your fight is to win the World Cup, not to be the highest run scorer. यार इनका top 5 में मुश्किल से कोई highest run scorer Dixon है शायद, साहिब ज्यादा, उसके नीचे 4 रन का फर्क है। आपके top 3 highest run scorer हैं, final में हम आते हैं नहीं चलते हैं। For sake we only had one under 19 thing, जहां पे खुशियां मिलती थी, पिछले 6 साल में वहां पे भी 3 बार हार गए हैं, 16 में वेस्ट इंडीज, 20 में बांग्लादेश, 24 में आपका ये ऑस्ट्रेलिया के हरा गया। पूरे टूर्नामेंट में सुशांत भाई इतनी बढ़िया बैटिंग की, दास ने अंडर 19 कंपटीशन में वर्ल्ड कप में 8 साल में आप 3 मैच हारे, तीनों बार फाइनल ही हारे, आप हारे ही फाइनल हो, आप हारते ही फाइनल हो। हम बार बार बोल चुके हैं इंटरनेशनली क्रिकेट बहुत ज्यादा टीम नहीं खेलती भाई, एक ऑस्ट्रेलिया ले दे के अच्छी टीम, साउथ अफ्रीका थोड़ी बहुत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया, इसमें भी अगर आगे मानो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़ी आगे लगती है, न्यूजीलैंड थोड़ा सा उससे पास, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद पाकिस्तान वगैरह, उनके तो कोई ठिकाना नहीं किसी का भी। उसके बाद आपका ये शुरू हो जाती है श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह। अब इतनी टीम्स के सामने भी सबसे ज्यादा पैसा जिस बोर्ड के पास हो, बिलियन डॉलर्स जी, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है ना, ICC को ऐसी की तैसी कर देंगे, सबसे बड़े खलीफा हम हैं, फैसिलिटीज तुम्हारे पास, 50 बार बोल चुका हूं, सबसे बड़ी लीग आपकी IPL, पूरी दुनिया खेलना चाहती है, सबसे ज्यादा डेप्थ आपकी क्रिकेट में, इतने लड़के पड़े हैं कि आप वाकई, जो हार्दिक पांड्या ने बोला था ना, 3 नहीं 6 टीम्स बना सकते और 6 की 6 हारे ना, लेकिन जब आप बिगेस्ट स्टेज पे जाते हो आपसे खेला नहीं जाता, ये तो अब बिल्कुल ही साफ हो चुका है।
कि आपके चाहे वो छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू जा रहे हैं अंडर 19 के, चाहे वो आपके सीनियर खलीफे जा रहे हैं, शेर जा रहे हैं, बब्बर शेर, आपसे फाइनल में नहीं। आज आप ऑस्ट्रेलिया का पैशन देखो वर्ल्ड कप फाइनल, वो उनका लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप उठाने आए हैं, फाइनल में जीतने आए हैं, उनके खून में नजर। जब वो बॉलिंग कराने आए, जब वो पहले आए बैटिंग कराने, उनकी स्टार्ट कोई अच्छी नहीं हुई थी। डिक्सन आउट हो गया था, सॉरी वो दूसरा क्या नाम है उसका, कॉन्स्टास, वो आउट हो गया था शुरू में, बोल्ड मार दिया उसको, बट उसके बावजूद फाइट करते रहे। जैसे मैंने बोला, हरजस सिंह पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला, फाइट करा उसने, 3 छक्के मार दिया आपको खड़े खड़े, आपके बड़े तुर्रम खास स्पिनर्स को। फिर बाद में जब लगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, 180/7 टाइप हो गया, 186/7, फिर पीके ने आके नीचे से बढ़िया 48-49 रन मार दिए, 50 के आसपास उसने मार दिए, तब जाके 253 पे तो हम ऐसे चौड़े हो रहे थे कि ये 253 हमारे सामने यार, वो टीम जिस तो भाई हमसे 150 नहीं बन रहा सुशांत भाई, ये वो टीम थी पांडे, ये वो टीम थी जिसने पहले 4 मैच तो सामने वाली टीम को 200 रनों के मार्जिन से ऐसे हराए थे। रन्स आकाश आप रन्स ऐसे बना रहे थे दैट यू आर बैटिंग फॉर फन, आपके लिए बैटर्स इतना प्यारा बैटिंग कर रहे हैं, ये सचिन दास की शॉटें देखो, उदय सहारण कितनी बढ़िया बैटिंग कर रहा है, मुशीर की पावर हिटिंग वो 2 सेंचुरीज के बाद पूरे टूर्नामेंट में गायब रही। सचिन दास, उदय सहारण, आज चलने की बारी थी, आप नहीं चले। अर्शिन कुलकर्णी को पता नहीं किस बिना पर रवि अश्विन साहब कहते हैं कि रिंकू सिंह की उनमें झलक दिखती है, भाई आपके लिए आज जब प्रेशर सिचुएशन आई, आदर्श सिंह एक एंड संभाल कर खड़ा रहा, लेकिन वहां भी स्ट्राइक रेट की बातें, एंड में कुछ चौके छक्के लगाए, उसके बाद आप मैच में यहां पर आओ। आदर्श सिंह साहब हमारे चौका छक्का लगाया, लाइव में वॉच अलोंग कर रहे थे उस टाइम, यही मैंने आपको बोला भाई चौका छक्का लगा दिया है, बहती फ्लो में आप नहीं जाना, बहती रिवर में आपको नहीं जाना है, आराम से कंट्रोल योर नर्व्स, लेकिन नहीं हम आएंगे हम, उसमें हुआ क्या, चौका छक्के के बाद अगले ओवर की पहली बॉल आगे बढ़ के शॉट लगाने की कोशिश, ऑस्ट्रेलियंस की ऐतिहासिक चीज, ऑस्ट्रेलियन स्लेज करने आए उसको वो चीज ईगो पर लगी, फिर अगली बॉल पर बड़ा शॉट लगाने गया, वहां पर एक लूज शॉट, प्रियांशु मोली हाथों में कैश, अविनाश अरेवेली पता नहीं सीएसके ने क्या देख के लिए है हाथों में। प्रियांशु से जाना चाहूंगा, प्रियांशु बड़े कॉन्फिडेंट थे आज के 250 जब से ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया तो हम मैच हार गए। प्रियांशु आप फिर से एक बार सही साबित हुए, एक बार फिर से इंडिया ने बड़ा भयंकर एक तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, चोक ही बोलूंगा मैं इसको, स्ट्रैटेजी भी नहीं है, चोक भी हो गया। हिम्मत क्यों नहीं होती हमारी यार फाइनल में आके खेलने की, हमारी हिम्मत ही नहीं होती बेसिकली। ये मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था क्या हुआ था, मैं इनको वॉच लॉन्ग के टाइम पे बता रहा था, जब आपने 187 पे 6 से 253 रन खा लिए आप मैच वही हार गए थे, आप 250 के ऊपर ले गए थे स्कोर यार, भले ही आपके उदय सारण हो गए, मुशीर खान हो गए, पूरे टूर्नामेंट में सेंचुरी लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन पिछला मैच में याद दिला रहा था आपको कि यही टॉप ऑर्डर ने झलकियां दी थी आपको कि ये प्रेशर सिचुएशन में फंस रहे थे, साउथ अफ्रीकन टीम उनकी होम कंडीशंस थी, हालांकि वहां पे जीतना अच्छी बात थी, वहां आपने शतक मार दी, वहां पे 96 बना दिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज आपने पता क्या किया है, सबसे बड़ी हार का आपका कारण ही यही है। देखो 350 आई, पहले 350 बताता हूं, 50 से 100, 100 से 150, पहली 50 आई आपकी 80+ गेंदों के बाद, दूसरी 50 आई आपकी 80+ गेंदों के बाद, फिर उसके बाद आपने एक्सीलरेटर पे पैर दबाया जब आपका आदर्श सिंह खेल रहा था और सचिन दास आया था, फिर उसके बाद इनको समझ आया कि तेज खेलना है, और उसके बाद इतने खराब शॉट्स सेट होने के बाद हवा में उछाड़ रहा है वो प्रियांशु मोलिया, उसने हवा में दे दी, आदर्श सिंह सेट होने के बाद दे रहा है, इवन मुर्गन यार उससे भी शिकायत है, इवन वो भी सेट होकर हवा में दे रहा है। भाई सीधी सी बात यह है, ये फैक्ट आप एक्सेप्ट कर लो कि चाहे आपकी अंडर 19 टीम हो, चाहे आपकी सीनियर टीम हो, जहां पे आपका प्रेशर मैच होगा, चाहे विमेंस मैच हो, विमेंस क्रिकेट हो, जहां पे आपके सामने प्रेशर होगा, प्रेशर कुकर की सीटी होगी कि भाई हमें नहीं पता है, यहाँ पे आपको चेस करके दिखाना है, आपको मैच जिता के जाना है, बात खत्म, तो बोलेंगे कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता आपकी ना पूरी सेट में। एक चीज करूंगा, जहां नॉकआउट में सामने ऑस्ट्रेलिया आ जाए फिर ये हाल होगा आपका, कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ गई फाइनल में, चाहे वेस्ट इंडीज आ गई फाइनल में, चाहे न्यूजीलैंड आ गई WTC फाइनल में, चाहे इंग्लैंड आ गई सेमीफाइनल में, चाहे पाकिस्तान आ गई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, चाहे श्रीलंका आ गई T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, कहीं पर भी कोई भी फाइनल में आ गया आप हार गए, क्योंकि ना पता है होता क्या है, ये देखिए इंडिया लास्ट 8 महीने में WTC फाइनल हार चुके हैं हम, वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं हम, और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से हार, मतलब तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया को हमने गिफ्ट दिए, बाय द वे हमने फाइट भी नहीं करी,
हमने ये नहीं करा कि यार थोड़ा सा छीना झपटी करें, थोड़ा दम दिखाएं। पता कब होता है? जब यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ ना, जब आपके पास पूरी फैसिलिटी है, करोड़ों रुपए आपको पहले ही मिल जाते हैं, आपको पता है कि एक बार इंडिया की जर्सी पहन ली भाई, मेरा तो तकदीर मुकद्दर सेट हो गया, मैं तो जीत ही गया, मतलब लाइफ में आया हूं विनर, मैं आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा गया हूं, चाहे वो आईपीएल हो चाहे कुछ भी हो, तब आप में वो जो फाइट करने का जज्बा है ना वो खत्म हो जाता है। तो आप फाइनल तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन फाइनल में जब दूसरी टीम आती है ना, उनको पता है कि भाई वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव नथिंग टू लूज, अगर हमने इनको हरा दिया तो वी विल क्रिएट हिस्ट्री। आपके लिए क्या फर्क पड़ता है यार, ये प्लेयर, ये जो प्लेयर है हमारे अंडर 19 के, थोड़े टाइम के बाद आईपीएल खेलेंगे, उसके बाद इंडिया भी साथ में खेल जाएंगे, सबके तकदीर मुकद्दर तो सेट है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, इनको कौन याद रखेगा यार? आज की डेट में किसी को माइकल क्लार्क नहीं याद, और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो। एरन फिंच कोई नहीं पूछ रहा, पैट कमिंस, एरन फिंच को कोई नहीं पूछ रहा, पैट कमिंस अभी आया है उसको कोई नहीं पूछ रहा, इनके लेजेंड्स जो है उनको कोई, भाई एक आता, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। फिंच गया, कमिंस ने पकड़ा, जिता दिया, पहले माइकल क्लार्क था जिता दिया, पॉन्टिंग जिता दिया, स्टीव वॉ जिता दिया, बॉर्डर भाई साहब जिता दिया, सारे के सारे जिता दिए, कोई नहीं पूछ रहा। हमारे यहाँ एमएस धोनी की मूर्तियां बना लो, हमारे यहाँ विराट कोहली की मूर्तियां बना लो, रोहित शर्मा के मतलब दूध चढ़ा लो उनके क्या कहते हैं पोस्टर के ऊपर, यही ड्रामे करते रहो पूरी जिंदगी। अभी भी आई धोनी की याद, एक था जो विकेट के पीछे, अबे तुम्हारे पास प्लेयर नहीं है क्या और भाई? गेम बदल देता था। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल पे फोकस है, आपका वर्ल्ड कप से लेना देना नहीं है। मैं तो ये हैरान हूं अंडर 19 को भी ये बीमारी चढ़ गई, ये एक डिजीज है, ये लिटरली एक डिजीज है, जहां पर आपके पास पैशन खत्म क्यों हो जाता है फाइनल में जाके, आप फाइट कर क्यों नहीं पाते? इसमें वुमेन्स क्रिकेट भी ऐड करेंगे तो वहां भी ऑस्ट्रेलिया, आप फाइट ही नहीं कर पाते। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, कोई भी टीम और आ जाए फाइनल में, आप ना एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले दब जाते हो, आप खुल के खेल ही नहीं पाते। जब खुल के खेला वो लड़का मुर्गन ने दिखाया कि आपकी टीम क्या है, जब मुर्गन के ऊपर प्रेशर नहीं था उसने शॉट्स मारी, खोल के रख दिया उसने सारे पेसर्स को, यही पेसर्स थे ना खलीफे जिन्होंने तुम्हें आउट करा, क्योंकि तुम डर के खेलते हो। सबसे बड़ी बात यह है भाई, जो डर गया वो मर गया। जब तक डर के खेलोगे, केएल राहुल बन के खेलोगे तो कहां से जीतोगे? केएल राहुल ने हमें सिखाया है, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उसका, कि जब जब डर के आदमी खेला है तब तक हमारा बंटाधार हुआ है, टिमिड अप्रोच, तो सबके सब राजा बेटा बन जाते हैं। और ऐसे दुदु वाली बोतल खरीद लो निप्पल वाली, मेरे को तो हर एक साल में एक एक चोकिंग याद आ रही है भाई ऐसी। 14 में फाइनल में युवराज सिंह की वो स्लो इनिंग्स आपको हरा के चली गई, 16 के अंदर आपकी बॉलिंग ने कहीं ना कहीं आपको हरा दिया, 17 में आपका टॉप ऑर्डर चोक, 19 के अंदर भी आपकी टॉप ऑर्डर, 17 में भी बॉलिंग नहीं हराया बॉस, 17 में डिसीजन कि आप टॉस लेके पहले बॉलिंग करा लेते हो और फिर आप 350 खा लेते हो ऑलमोस्ट, बैटिंग क्या खा कौन नहीं थी उस पिच पे आपसे, जब शुरू में शर्मा जी और सारे विराट और सबको आउट होकर चले गए। खैर वो तो छोड़ दो, अब जो पुराना जो बीत की बात गई, लेकिन आज की डेट में आपके दिल में जो खौफ पैदा हो जाता है ना कि यार फाइनल जीते नहीं तो क्या होगा, अबे नहीं जीते तो क्या होगा, हम तो वैसे नहीं जीतते भाई, लड़ो तो सही, अग्रेशन तो दिखाओ, पैशन तो दिखाओ। वो तो मैंने आपको तभी बोल दिया था 250 मारने के बाद, उनकी शक्लों पे जीत लिखी हुई थी। पैट कमिंस एंड कंपनी के तो ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, मैच शुरू भी नहीं हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शक्ल पे जीत लिखी हुई थी, वो तो पिच की फोटो लेके आ गया था कि बना लो पिच, बना लो, क्या बनाते हो, बनाओ, हंस रहा था वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, कि जब 1.5 लाख बंदे को चुप करा देंगे ना तब आएगा मजा। चुप करवा के गया, तब तो तुम्हारे मुंह पे हंस रहा था वो, और पिच को भी देख के उसने एक सेकंड नहीं लगाया कि अब कर लो बैटिंग कर लो आ जाओ। तुमने 10 ओवर में 80 रन मार दिए, उन्होंने तुम्हें खोल के रख दिया, मैक्सवेल ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, पैट कमिंस ने खुद आके विराट कोहली को बोल्ड कर दिया, बुमराह जी कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मुझे सपोर्ट नहीं मिला आज कांग्रेचुलेशंस के लिए, भाई तुमने जिताया क्या है? WTC फाइनल तुमने खेला बारिश में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्या करा तुमने बुमराह जी, क्या कर लिया विराट जी, क्या कर लिया रोहित जी, जिताया किसने है ये बता दो पिछले 10 साल में, बड़े बड़े नामों ने कुछ नहीं किया भाई, किसी फालतू के टेस्ट मैच जीत जिता के इंडिया में और चौड़े होते हो और ऐसा दिखाते हो कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हारे पास है, अब बच्चों में भी ये आ गया है, पता नहीं इनको कैसी कोचिंग मिलती है, कौन इनको पढ़ा रहा है सिखा रहा है भाई, कौन है इनके साथ, ये पूरी मैनेजमेंट को चेंज करना बनता है अभी इस टाइम पे, पता है आपको, इतना डर के खेलते हो यार तुम लोग फाइनल में आते हो, ये सिर्फ डर के हारे हैं बाय द वे, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के बस की नहीं है, मैं मोहम्मद कैफ से अग्री करता हूं बाय द वे कि बेस्ट टीम इंडिया ही थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन हारे
आप डर के खेलोगे तो हारोगे, सब आपका था। आप ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में, तगड़ी स्ट्रैटेजी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वन साइडेड। आप ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी देखो इसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में, वन साइडेड ड्रबिंग, बीटिंग। होश होश ही नहीं है आपको यार, ऐवे आप बस अपने को ना बस वो दिखाओ, बेचारे दिखाओ अपने आपको, आपके कब, आपके श्रेय सही, आपके देखो हर एक, मैं बोल रहा ना हर बंदे में इतना एटीट्यूड जैसे हम पे एहसान कर रहे खेल के, हर इंसान में। बाकियों को छोड़ दो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह तो बहुत बड़े नाम हो गए, श्रेयस अय्यर तेरी बात तो सही है, तू यार आके तेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर पूछ रहा है कि शॉर्ट बॉल तो तू उस पर चौड़ा हो रहा है कि क्या है, मेरे को शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम नहीं है। अबे बेशर्मी की इंतहा, पूरी दुनिया को पता है मुझे पड़े शॉर्ट बॉल, मैं बाहर हूं, बात तो सही है, पूरी दुनिया को पता है भाई कितने ढीठ हो चुके हो तुम लोग, कितना एटीट्यूड दिखाते हो, जीतते कुछ हो नहीं, अरबों खरबों रुपया मिलता है। जो लोग हमें बोलते हैं कि जी जाके खेल के देखो, तो हमारा काम नहीं है भाई, इनका काम है खेल के देखना, ये बनना चाहते थे ना प्लेयर, और ऐसे 100 पड़े हैं, एक नहीं है 100 पड़े हिंदुस्तान में, जितनी हमारी पॉपुलेशन और जितना क्रेज है क्रिकेट के लिए, जाके देखो तो सही बच्चों की सिलेक्शन कैसे होती है, लगे पड़े हैं देखो सही आप, कितना मुश्किल है टीम में जगह बनाना, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या बाप पापर बेलने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस तो लास्ट चीज है भाई, परफॉर्मेंस तो हर बंदा दे रहा है, एक परफॉर्मेंस गलत हो जाए ना बंदा शायद रुक जाए, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लगातार परफॉर्मेंस दिए, टीम में नहीं आए आज तक, लगातार परफॉर्मेंस देने के बावजूद कभी टीम में नहीं आए, और ये लोग जिनको बार 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 चांस मिलता रहता है वो अपने ऐसा बनते हैं, पता नहीं चेने बालियां, पहले ही बोल चुका हूं मैं, डॉक्टर ड्रे के इन्होंने म्यूजिक वीडियो में आने के क्या करना है मुझे नहीं समझ में आती, कि इनका एटीट्यूड कहां से आ रहता है, इतना एटीट्यूड। अबे तुम पहली टीम ऐसी देखी है मैंने दुनिया में जो बिना जीते एटीट्यूड दिखाती है। अच्छा ये सोशल मीडिया बड़ा करते हैं, डेविड वॉर्नर कम करता है सोशल मीडिया, वो तो सब कुछ जीत के बैठा हुआ है, तो ये बात सोशल मीडिया की किसी की नहीं है, तुम बुजदिली जब आ जाती है ना क्रिकेट में तो आप नहीं जीत सकते, जब आप डर के खेलोगे ना, अप्रोच ही ऐसी है, पाकिस्तान की टीम भी जब डर के खेलती है ना तो जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, बट जब वो लड़के खेलते हैं ना तब वो जीतते हैं, जब उस दिन उनको 180 पर उन्होंने गेम बना दी ना, तुमने क्या किया, इतनी बड़ी बैटिंग साइड 250 पे क्या किया तुमने बताओ, वन साइडेड कॉन्टेस्ट। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं बताता हूँ ना, जो एक कारण मुझे लगता है पर्सनली, क्या होता है ना कि आपको याद होगा फॉर एग्जाम्पल मार्च की एक फोटो आई थी वर्ल्ड कप के बाद, जब उसने वर्ल्ड कप पे पैर रखा हुआ था, है ना, पैर रखा हुआ था, हम लोगों ने मतलब बहुत सारे लोगों की ये पर्सपेक्टिव था इस चीज को लेके कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, भाई वो ना उस चीज को इमोशनली नहीं लेते, वो लेते हैं प्रैक्टिकली, वो गेम को इमोशनली नहीं सोचते, वो प्रैक्टिकली लेके जाते, उनके लिए बस ये एक मैच है, फाइनल जरूर दिमाग में होता है, लेकिन हम ये लेके जाते कि भाई ये जीतना है यार, ये होना चाहिए यार, अगर आप ये लेके जाओगे ना इमोशंस के साथ गेम खेलोगे ना, ना कि प्रैक्टिकल होके, तो आपके हाथ से बाहर लगेगी, क्योंकि आप इमोशंस में इतना ओवरवेल्म हो जाते हो ना कि भाई ये बड़ा स्टेज है, हमें खेलने का मौका मिल गया, फाइनल हम फाइनल पहुंच गए, ओवरवेल्म होने की जरूरत ही नहीं है भाई, प्रैक्टिकल होके काम करा करो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं यार, आप हार रहे हो, तो आप सीख क्या क्यों नहीं रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बार बार एक ही गलती करते हो, हर बार फाइनल में जाते हो, सेमीफाइनल में जाते हो, आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, और उसके बाद आप अटैक भी नहीं करने जाते हो, सुपर चैट दिखा देना रॉबिन, आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर से ट्राई आउट कर रहे हो, कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे हो, कुछ भी नहीं करते इस पूरे ना, इस पूरे 2024 में आ गया जा। इस पूरे 2024 में मेरे को ना सिर्फ एक उम्मीद थी, 2024 की मेरी अंडर 19 वर्ल्ड कप, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप इस साल में आ रहा है, मेंस का T20 वर्ल्ड कप इस साल में आ रहा है, और मेंस में जो इस समय हमारी टीम के हाल हालात चल रहे हैं T20 के, मुझे नहीं है उम्मीद, मैं अभी कह रहा हूं, कहो कि इंडिया ने अभी से नेगेटिविटी फैला रहा है, पनौती जिसको जो बोलने बोलो, मैं भाड़ में जाओ यार, मुझे नहीं है T20 में जो आपके हाल हालात चल रहे हैं, वुमेन्स वाले में हमारी बैटिंग का मिडिल ऑर्डर है ही नहीं है, बांग्लादेश से हार के आ रहे थे हम, नहीं है वहां पर मेरे को उम्मीद,
यह उम्मीद थी नहीं आया, इस साल में 2 महीने होगा आईपीएल, उसे एंजॉय कर लेना, उसमें डांस कर लेना, उसमें खुशियां मना लेना, उसके बाद आप वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप बहुत कम चांसेस है, वेस्ट इंडीज इस समय आपसे अच्छी लग रही है मुझे, साफ कह रहा हूं, जैसे बैटिंग कर रहे हैं वो भला हार रहे हैं। आपको टी20 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आपको अपनी टीम ही नहीं पता, अभी तो आप ये इंग्लैंड वाला टेस्ट सीरीज बचाओ, वो तो बहुत आगे की बात है आपकी, पहले इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में जहां पे विराट कोहली नहीं है, अभी केएल राहुल भाई साहब ने आना है, रविंद्र जडेजा का पता नहीं, दोनों का आज केएल राहुल ने डाला था, प्रैक्टिस कर रहे थे, नेट्स में डाला था उन्होंने, बैटिंग कर रहे थे वो नॉकिंग, लेकिन अभी तो आपको इस सीरीज का बचाओ ना आप, पहले आप टेस्ट सीरीज देखो, फिर आप आईपीएल देखो, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, फिर वर्ल्ड कप में कौन आपका वर्ल्ड कप में कौन आपकी कप्तानी करेगा, क्या आपकी टी20 वर्ल्ड कप की टीम होगी, ये तो बाद में पता चलेगा बॉस, बायलेटरल तो लेकिन आप जो मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ जो हमारे कमेंट्स आ रहे थे, वेंकटेश्वरन टीवी जी बोल रहे हैं कि आई एम नॉट सरप्राइज, जस्ट लाइक सीनियर्स जूनियर्स हैव आल्सो सकम्ड, व्हाई आर वी लूजिंग वन साइडेड नॉकआउट्स ऑलवेज, इट इज ऑस्ट्रेलिया देन एंड नाउ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आप खेला ही नहीं जा रहा, आपसे आपसे पैर उठाए नहीं जा रहे, आपके पैर थर थर कांपने लग जाते हैं जैसे ही फाइनल आता है, आप भूल जाते हो, एक ऐसा लगता है आप क्रिकेट खेलना भूल गए हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वेंकटेश्वरन जी आप, आगे आ जाइए, तो अभी भी देखिए करणप्रीत चिन्ना जी आपको मुबारक को कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, बॉयज हैव डन इट अगेन, कांग्रेचुलेशंस टू यू यार, आगे आइए, दीपक सिंह बोल रहे हैं हम फाइनल में सिर्फ हार नहीं रहे, हम कम्पीट ही नहीं कर रहे, यही तो बात है, यही तो बात है कि आप मैच में ही नहीं हो, लड़के हारो यार, मैच से पहले ही आप हार जाते हो, आज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ हरजस सिंह भाई, वो लड़का पूरे टूर्नामेंट में चला ही नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी उसको खिलाया, और मेरे को 100% पता था, मैंने तो देखा भी नहीं था उस गेम, मेरे को 100% पता था कि आज ये रन मारेगा ही मारेगा, आज ही तो रन मारने होते हैं भाई, फाइनल में ही तो डिलीवर करना होता है, टूर्नामेंट में सेंचुरी बना बना के बैठे हो शेर, क्यों विराट कोहली पाकिस्तान में इतना बड़ा आइकॉन है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रन मारता है, वो पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा मारता है, तभी पाकिस्तानी उससे इतना प्यार करते हैं कि भाई ये असली प्लेयर है, क्यों मेरा फखर जमान फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान का, बिकॉज उसी ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हराया था, रिस्पेक्ट आती है ना जब आप बड़ी गेम में रन बनाते हो, फाइनल में सेमीफाइनल में, आज राइवल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब रिस्पेक्ट करो आप राइवल की अपनी, मोहम्मद आमिर की पूरी रिस्पेक्ट है, हमारे यहां से विराट कोहली की पूरी रिस्पेक्ट है, उनको रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट है, बट ये केएल राहुल ये श्रेयस अय्यर ये कौन से कोटे में आते हैं भाई, और आज आपके ये बीमारी है, लिटरली बीमारी फैल चुकी है, और हम ये बार बार देख रहे हैं, एक बार नहीं बार बार, या तो कोई छोटी टीम आए जो आपके सामने लेट जाए, या बड़ी भी टीम आए जो लेट जाए, तब आप जीत जाओ जीत जाओ, जहां आप पे प्रेशर पड़ा आपका मैच गया, ये हमने बार बार देख लिया, बार बार देख लिया, बार बार लगातार हुई हमारी हार, यही हो रहा है भाई, हर बार यही हो रहा है, और हार भी ऐसी है ना कि इन एवरी डिपार्टमेंट नाउ यू आर लूजिंग गाइस, आई अब चलो बाकी बाकी चीजों के ऊपर हमने बात की, डिस्कशन की, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप ये पूरा, आप अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिस इंसान ने अभी तक एक मैच भी नहीं देखा होगा, अगर वो इस पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टैट्स उठा के देखेगा, वो शुरुआत से देखेगा कि हाँ पहला मैच इंडिया ने ये किया, इसने सेंचुरी बनाई, फिर मुशीर खान की सेंचुरी आती है, फिर कुलकर्णी सेंचुरी बनाता है, फिर सचिन दास उदय की एक ही मैच में सेंचुरी आती है, फिर आप न्यूजीलैंड को किस तरह से मैच हराते हो, कैसे आपने मैचेस खेले, किस हीरोइक्स तरह से आपने सेमीफाइनल जीता, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद टिल सेमीफाइनल, अगर टॉप 3 रन स्कोरर्स आपके पास है, टॉप 5 में 2 हाईएस्ट विकेट टेकर आपके पास है, स्वामी पांडे आपका सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट का, ये उसके बाद फाइनल में जाते हैं एज फेवरेट्स, फाइनल में जाके अगर ये इंडिया 5-10 रनों से हार गया होता, जैसे पाकिस्तान हारा था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने, कोई दुख ना होता, लड़के हारे, हम लड़के हारते ही नहीं, हम गिफ्ट कर देते हैं, हम डर के हारते हैं ना, हमने अगर हम कुछ लड़के हारे थे पिछले एक साल में, वो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का वुमेन्स वाला मैच था जहां हरमनप्रीत कौर ने फाइट दिखाई थी एंड तक, WTC फाइनल एक तरफा, वर्ल्ड कप फाइनल राहुल साहब की मेहरबानी 107 बॉलों में एक चौका, यहां पर आप 91 for 6 मैन, कौन सी ऐसी बॉलिंग हो गई थी यार कि तुम मतलब एक के बाद एक के बाद एक, आप डर के ही हारे हो ना, आप प्रेशर में ही तो हारे हो, और क्या हुआ है, यही लड़के अभी लीग का मैच करवा लो, इनको 100 रन से हरा देगी इंडिया, अभी करवा लो आराम से, कल करवा लो, यही लीग का मैच होए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई भी, वन साइडेड हम इनको पेल पाल के चले जाएंगे, बस यही फाइनल हो जाए आपके घुटनों पे आ जाओगे आप, पैरों में लोट रहे हो गए आप, मिट्टी साफ कर रहे हो ग्राउंड की, क्या क्या मतलब चाहते क्या हो आप,
हर बार यही यार, हर बार यही ड्रामा। मैच तो खेलो यार, हारने पे कोई नहीं चिल्लाएगा यार, हार जीत चलती रहती है। बट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, फाइनल खेलने गए हो, कोई तो हिम्मत दिखा दो। मुर्गन आके नीचे से मार रहा, बताओ यार, वो फॉल्स ओपन कर रहा है, मतलब सारी की सारी टीम खत्म हो गई, मुर्गन उनको चौके मार रहा, छक्के मार रहा, कमाल है यार। वो बता रहा है कि बॉलिंग ऊपर से अग्रेसिव खेलते अगर तो आप जीत जाते, आप उन पे प्रेशर तो डालो। क्रिकेट गेम ही इस बात की है कि आप बॉलर पे प्रेशर डालो या बॉलर आप पे प्रेशर डाले। आप पहले घुटने टेक देते हो, आप उसको निकल के दो तीन चौके छक्के मारते, कुछ रन बनाते, बॉलर पे प्रेशर आता, आप बॉलर सेट करवा देते हो, तभी तो मरते हो आप। सेम वर्ल्ड कप की कहानी, हाईएस्ट रन स्कोरर भी यहाँ पे भी हाईएस्ट रन स्कोरर हारे हैं और यहाँ पे भी हम हारे ही हैं। ये कहानी बस एक रिपीट टेलीकास्ट हुआ है आपके लिए। उदय सहारन हाईएस्ट रन स्कोरर, सेकंड नंबर पे सचिन दास, सॉरी मुशीर खान, मुशीर खान सेकंड नंबर पे, चौथे नंबर पे सचिन, बीच में दो ऑस्ट्रेलियन है। मतलब टॉप रन स्कोरर आपका है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आपका है, फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर सब आपके पास है यार। यू हैव फैसिलिटीज, यू हैव गुड फॉर्म, हाईएस्ट विकेट टेकर भी मेरे ख्याल से हमारी है, नहीं हमारा नंबर 3 पे हाईएस्ट विकेट टेकर है स्वामी पांडे। बट लेकिन आप एक चीज देखो ना, मतलब साउथ अफ्रीका वाला टॉप पे नहीं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ये आदर्श की, मतलब आदर्श 80 रन से हार जाते, आदर्श ने पूरी की पूरी केएल राहुल की याद दिलवाई है, पूरी पता नहीं कौन सी कोचिंग ले ली यार। देखो भाई स्ट्राइक रेट बराबर थी पांडे की, इसके भी सेट की स्ट्राइक भाई कितना शटर डाउन कर लोगे, वो मुश्किल में शटर डाउन करके बैठा है आदर्श। फैक्ट ये भी है कि किसी ने साथ भी नहीं दिया, ये भी है कि किसी ने साथ भी नहीं दिया। अरे यार क्या साथ नहीं दिया भाई यार, कौन सा बैटर आपको वहां पर आया जो रन बनाते हुए नजर आया, इतना दीवाने खेलते पांडे जी। इन्होंने कभी भी ये ऐसा था ना, ये ऐसा गेम था कि ऐसा लग रहा था कि सेकंड इनिंग में बस एक टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, पूरे मैच में मेरे भाई चेज कर ही रहे थे, आपसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप कभी गेम में भी थे शुरुआत से लेकर। फैजल खान बोल रहे हैं यू लिटरली वन अंडर 19 2022, तो वी मस्ट विन यार भाई, वी आर नॉट पाकिस्तान फॉर गॉड सेक। अभी कोई हम मुझे भाई ने पाकिस्तानी ने मैसेज भेजा था कि यार चलो तुम्हारी टीम फाइनल में तो आती है, मैं भाई हमारा तुम्हारे से थोड़ी ना मुकाबला है यार, हद हो गई है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से। अबे हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं है भाई, हम सबसे आगे हैं दुनिया में, आप अपने आप से आगे तो नहीं हो ये आप। नहीं यार, आप अपने जिस टीम के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, जिस टीम के पास इतनी डेप्थ हो, जिस टीम के पास पूरी दुनिया की फैसिलिटीज हो, ब्रॉडकास्टर्स आपके, आईसीसी आपकी जेब में हो, सब कुछ आपके पास और इतनी टीम्स ही नहीं है क्रिकेट में, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीत रहे भाई, पाकिस्तानी प्लेयरों को तो पैसा तक तो दे नहीं पा रहा बोर्ड उनका, कितने महीने तक तो यही ड्रामा चलता रहा कि भाई पैसा नहीं मिल रहा। क्या फैसिलिटी है उनके पास, क्या ग्राउंड्स है उनके पास, क्या टीम है उनके पास। पीएसएल में आपको पता है विकेट कीपर नहीं होते, हमारे यहाँ पे तो 4-5 विकेट कीपर होते हैं हर टीम में, वहां पे तो नॉर्मल बंदे विकेट कीपिंग कर रहे होते, इतना तो डेप्थ नहीं उनके पास, कोई क्रिकेट में डेप्थ नहीं है, कोई लड़कों के पास पैसा नहीं है, कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है, फिर भी आके लड़बड़ के खेल रहे हैं वो। तुम्हारे पास दुनिया में सब कुछ है, हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से थोड़ी ना है यार, मतलब इस पे खुश होते रहोगे, लोग बेवकूफ बनाते रहोगे पाकिस्तान से जीत गए हम, अबे वो तो जीतना ही चाहिए भाई पाकिस्तान से, आप बहुत आपको कुछ हारना ही नहीं चाहिए, आपके पास सबसे आगे दुनिया में क्रिकेट आपकी ही है, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास ही है, सबसे ज्यादा ताकत आपके पास है, सबसे ज्यादा प्लेयर, सबसे ज्यादा फैसिलिटी, सब कुछ आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास ट्रॉफी, अब उसका जवाब दे दो क्यों नहीं है। बुजदिली नहीं करे ढंग से, बुज मेहनत तो पूरी करके पहुंचे हो ना, बुजदिली जब आप पहुंच गए, क्योंकि आप एटीट्यूड दिखाने में सारा टाइम लगाते हैं ना बेटा, एटीट्यूड से नहीं जीते जाते फाइनल, पैशन से जीते जाते हैं, हिम्मत से जीते जाते हैं। आप जो गुंडागर्दी दिखाते हो ना, जब आप पहुंचते हैं फाइनल में, आपकी गुंडागर्दी निकल जाती है, ये बात सच है, और मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है स्पोर्ट्स चैनल पे, आज फिर बोलता हूं, दुनिया में कोई चाहता ही नहीं है कि इंडिया जीते, चाहे इंग्लैंड चाहे ऑस्ट्रेलिया, ये सब खुश होते हैं कि इंडिया हार गई, सब, बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि आप ही हो भाई सबसे बड़े गॉडफादर क्रिकेट के, जो आप बोलते हो वही होता है। एशिया कप आप बोलते श्रीलंका में होगा, वहीं पे होगा भाई, चाहे बारिश हो रहा, मानसून हो रहा, जो मर्जी हो रहा, भाड़ में जाओ। अगर आप इंग्लैंड से वापस आते हो, इंग्लैंड बोलते है फोरफिट हो गया लास्ट टेस्ट मैच, आप बोलते हो नहीं जी वापस आके खेलेंगे पांचवा टेस्ट मैच, वो बोलते ठीक है भाई दादाजी आ जाना खेल लेना, माई बाप आ जाना कोई बात नहीं, सब आपके सामने झुकते हैं, सबसे सारा पावर आपके पास है, सबसे सारा पावर आपके पास है, आईपीएल सबसे बड़ी लीग आपके पास है, आप जिस कंट्री में जाओ उसके ब्रॉडकास्टर के भाग खुल जाते हैं, आपसे आगे कोई है ही नहीं, लेकिन क्या लोग खुश हैं, क्या बाकी देश खुश होते हैं आपके जीतने पे, कोई भी नहीं होता, सब चाहते हैं इंडिया हार जाए, और यही प्रेशर आपको लेके मरा है, जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, भाई एक्सपेक्टेशंस का बोझ ले क्यों रहे हो,
खेलो ना दिल खोल के, पैशन से खेल के तो दिखाओ, एक फाइनल तो देखें हम जिसमें बोले कि हाँ भाई वी आर प्राउड ऑफ आर टीम। भाई पाकिस्तान पिछला मैच हारा, पाकिस्तान पिछला मैच हारा ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19, कम से कम ये बोलने तो लायक है कि वी आर प्राउड ऑफ आर टीम। आप हो बोलने लायक कि वी आर प्राउड ऑफ आर टीम, बताओ आप मुझे। वो लड़के आ रहे यार, पिछली बार भी मैं बोल रहा था भाई उनके अंडर 19 के लड़के तो ज्यादा फकर होना चाहिए अपने सीनियर टीम से भी, इतना अच्छा खेले थे वो। सीनियर टीम तो मिट्टी पीलीत कर आगे गई है ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये लड़के तो इतना तगड़ा फाइट, ऑलमोस्ट फाइनल पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट ही पहुंच गए थे, एक विकेट रह गया। तगड़ी बॉलिंग कराई, 180 में मैच बना दिया और इस चैंपियन साइड के साथ बनाया ना। कौन जीता वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया। किससे हारी पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने ज्यादा टफ फाइट दी कि इंडिया ने दी? अब आप बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन है, वैसे इस बात पे गुस्सा चढ़ता है, इन बातों पे खुंदक चढ़ती है। मैं दोबारा वही बोलूंगा, जिस तरीके से मुर्गन ने मारा ना इनके पेसर्स को, एक्सपोज करके रख दिया था उसने कि ये बच्चे पेसर है, खुल के दिल खोल के मारो तो सही चौके छक्के, देखो क्या कर देगा ये, कुछ भी नहीं कर पाए वो। कल इनकी भी फोटो आएगी ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के बैठे होंगे, फिर आप कहोगे कि भाई बैकर बॉय, देखो वी बैकर बॉयज, सुपर चैट दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंडिया को छोड़ देंगे, भाई इंडिया के फैंस हैं, इंडिया के फैंस रहेंगे, लेकिन बीइंग अ फैन कभी आप हमारे एंड पे भी सोचना चाहिए ना, भाई चल क्या रहा है हमारे साथ, हम कुछ जीत ही नहीं पा रहे हैं। करण ट्रूली इंडियन बोल रहे हैं 10 साल में हमने कुछ नहीं जीता, एक तरफ रोहित पांड्या का झगड़ा, एक तरफ ईशान के नखरे, सीनियर मैन, जूनियर मैन, विमेन एट एवरी प्लेस वी डिसअपॉइंटेड। हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के नाम आते ही हम हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मैंने काफी बार बोला एक ही टीम हराती थी, वो थी इंडिया, अब हम भी चौक करना शुरू कर दिया हमने। पाकिस्तान तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया से हारती ही थी, हम हारते थे न्यूजीलैंड से, वो हारते थे ऑस्ट्रेलिया से, अब हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारना शुरू कर दिया हमने। आगे आ जाइए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं करण ट्रूली इंडिया, सब सही है यार, किसको क्या कर दो, लेजेंडरी कोहली नखरे चल रहे हैं भाई यहाँ पे, लेजेंडरी कोहली बोल रहे हैं, एक तरह से अच्छा ही हो रहा है भाई, अब कितना हो जाएगा, 10 साल से तो हार रहे, अब क्या अच्छा हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म, कोई इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आईपीएल अभी आ गए, पागल कपड़े फाड़ के देख रहे होंगे लोग अपना, वर्ल्ड कप से ज्यादा आईपीएल देखते हैं लोग, पता है आपको ये, वर्ल्ड कप की कोई अहमियत नहीं आईपीएल के सामने, ये बात सच है, हो रहा है। और बाकी स्पोर्ट्स आगे आ रहे हैं, एशियन गेम्स इज प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, कोई नहीं पूछ रहा भाई, ये गलतफहमी है आपकी, अ नेशन थ्राइव्स ऑन ओवरऑल स्पोर्ट्स, ना भैया ना, ये आपकी बहुत 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 बड़ी गलतफहमी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे आ जाइएगा, क्रिकेट का तो बात आपके क्रिकेट के तो आसपास भी कोई स्पोर्ट और है नहीं, और आईपीएल के आसपास कोई वर्ल्ड कप एशियन कप ये सब कुछ भी नहीं है। एशियन गेम्स, ओलंपिक्स अभी आएगा, थोड़ा बहुत पूछेंगे, एक दो मेडल मिल जाएंगे तो लोग देख लेंगे उस टाइम पे, कोई नहीं पूछ रहा भाई, कोई नहीं पूछ रहा। जिन क्रिकेटर्स को सबसे ज्यादा पैसा भी मिलता है, सबसे ज्यादा इज्जत भी मिलती है, सबसे ज्यादा स्टारडम भी मिलती है, वो ऐसा करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। रोहित शर्मा का क्रिटिसिज्म कर दो, यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स के मैसेज आने लग जाते हैं, क्यों बोल रहे हो जी आप, क्यों तुमसे पूछ के बोलेंगे, हम अपना काम ना करें, इनको चाहिए इनके तलवे चाटो, जो इनके है ना बाकी चाटुकार, इनके तलवे चाटे आके कि नहीं जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। अबे जीते कुछ हो नहीं, फाइनल पहुंचना अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, इंडिया में खेल के गड्ढे बना के, उसमें भी पिच को ब्लेम कर रहे थे कि पिच ने पिच कर दिया। मैंगो मैन विजुअलाइजिंग बोल रहे हैं 2007 से 2013 में 3 टाइटल आ गए, वॉज अ रेयरिटी, उससे पहले 24 साल में एक ही टाइटल था 83 में, उसके बाद 11 साल नो टाइटल, तो उस फेज की वजह से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, वो नहीं होगा दोबारा, 10 साल में एक टाइटल इज गुड इनफ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस ये है ना, आप लोग समझते हैं नहीं बात को, बस एक बात कर दी भाई, जब तक आप 90s तक बीसीसीआई इतना पावरफुल बोर्ड नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश बोर्ड ये चलाता था क्रिकेट, आपके 2000 ऑनवर्ड्स स्पेशली आईपीएल के बाद से तो सारा का सारा, मतलब आप 70-80% तो बीसीसीआई है क्रिकेट, और है क्या क्रिकेट अगर इंडिया ना खेले, बाकी कर क्या लोगे तुम, इतनी लीग चल रही है, कौन पूछ रहा है क्या पैसा है उसमें, यहां 50,000 करोड़ के राइट्स बिकते हैं। तो ये जो आप टाइम बोल रहे हो, जब हम नहीं जीतते थे ना, उस टाइम में बीसीसीआई नहीं चलाता था क्रिकेट को, और अब अगर हम नहीं जीत रहे तो हमारे पे लानत है जहन्नम, जहन्नम की लानत इसलिए है बिकॉज अभी तो हम ही चलाते क्रिकेट। हाँ। भाई खुद क्रिकेट तुम चलाते, सबसे अच्छी टीम तुम्हारी, सबसे ज्यादा डेप्थ तुम्हारा, सबसे बड़ी लीग तुम्हारी, पैसा, ब्रॉडकास्टर, एवरीथिंग यू हैव, व्हाट आर यू लैकिंग? ट्रॉफी नहीं है जी, फाइनल भी पहुंच रहे हो, हर फाइनल में तो तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है, WTC फाइनल इंडिया, अंडर 19 फाइनल इंडिया, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया, सेमीफाइनल से कम
कभी होती है इंडिया, वो भी तुम बेइज्जती करा दी 2021 में जब विराट कोहली जी ने पहले बोला था कि मैं कप्तान नहीं रहूंगा, रोहित शर्मा जी देख रहे थे मैं कप्तान बन जाऊंगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बकवास कर करके अपनी क्रिकेट खराब कर रखी है उस एक और अभी फिर से वही कि रोहित होएगा कि हार्दिक होगा, बेड़ा गर्क करवा लो बेटा अपना। सबसे ज्यादा बुरा भी इस बात का लगता है ना कि जब आप नहीं जीत रहे थे उस समय तो चलो एक प्लेयर इतालिया देकर सचिन तेंदुलकर, जब तक बैटिंग कर रहा था टीवी ऑन, सचिन आउट टीवी बंद, ये था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे। आज के टाइम में आपकी जो टीम है दुनिया की सबसे बेहतर टीम, आपके पास डेप्थ इतना ज्यादा, प्लेयरों का पूल इतना ज्यादा, दुनिया की बेहतर टीम है। मेरे लिए जो जीतता है ना, मान लिया मेरे लिए जो जीतता है ना भाई, वो है दुनिया की बेहतर टीम। चलो ऑस्ट्रेलिया जो टीम फाइनल हारती है दुनिया की बेहतर टीम नहीं मानी जाती भाई, मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी। मान लिया ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम है, दुनिया की बेहतर टीम है, ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल बेस्ट है, क्या बात है, जीत लिया ऑस्ट्रेलिया की टाइटल, हो गई उनकी दुनिया की बेस्ट टीम। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेप्थ तो आपके पास ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, ये तो मानते हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ज्यादा डेप्थ इस समय पर इंडियन क्रिकेट में है या नहीं? डेप्थ पूछ रहा हूं भाई, प्लेयर उनका भाई, उनकी भाई वो चुने में उठाते हैं, हम बनाते हैं यहां पे बहुत सारे प्लेयर, वो चुने में उठाते हैं इंडिया वर्सेस, हम इंडिया का डेब्यू कराते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी, उनका बीबीएल का टैलेंट आया था, हमारा आईपीएल का टैलेंट आया था, हमने 4-1 से फोड़ा, और वो जो एक मैच जीते थे उसमें मैक्सवेल ने आपको हराया था। तो डेप्थ की जहां तक बात है, इंडियन क्रिकेट में डेप्थ है, आप कहां लैक करते हो? माइंडसेट, उनका माइंडसेट चैंपियनशिप वाला, चैंपियंस वाला है, आपका माइंडसेट कवर्ड है। आप जब तक लीग खेल रहे होते हो आप अपने आप को चैंपियन मानते हो, जैसे ही आप पहुंच जाते हो करीब आपके हाथ खुल जाते हैं। मैंने जो शुरू में बोला था ना, एटीट्यूड 100%, अकाउंटेबिलिटी 0%। जो आपका एटीट्यूड है, जो एक तरीके का आपका घमंड है ना, वो ही चकनाचूर हो रहा है। जो आप घमंड करते हो ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम करोड़ों रुपए, हमारे पास सारी यू नो सुपर कार्स हमारे पास हैं, बड़ी बड़ी मॉडल्स हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, एक्ट्रेसेस हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो जी हम तो पूरे दुनिया के शहजादे हैं, पैसा हमारे पास है, लीग हमारे पास है, ये कौन है फुकरे हमारे सामने खेलेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। वही जब फाइनल में आते तो याद आता है भाई, ये सब छिन ना जाए, ये सब छिन ना जाए, यहाँ पे मैं हीरो बन जाऊंगा क्या? तभी तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ऐसी आती है हर वर्ल्ड कप में कि चांद तक है, और एज अ टीम ऐसा कोलैप्स करते हो, बिकॉज ये बंदा देख रहा मैं हीरो बन जाऊं, ये बंदा देख रहा मैं हीरो बन जाऊं, और खोने को इतना कुछ है कि आपके पसीने छूटने लग जाते हैं। सही बात है भाई, घमंड करोगे तो फिर उसका तो भुगतना ही पड़ेगा आपको, हारोगे हारोगे फिर तो आप, और आप क्रिकेट के मामले में तो घमंडी कौम हो ही चुके हो। जैसे आप दुनिया में सबसे बेहतरीन, कौन सी बात के बेहतरीन हो आप, वैसे ये बता दो। वाकई में आपके प्लेयर आके ऐसे ड्रामे करते हैं जैसे कि वो एहसान कर रहे हैं आप पे क्रिकेट खेल के। इनके कमेंट सुना करो आप हारने के बाद, सीरियसली कोई एक पैसे की शर्म नहीं होती इनकी आंख में, एक पैसे की। इतना ज्यादा अपने आपको खलीफा बनते हैं कि जी हमने बोल दिया, रिपोर्टर से कैसे बात करते हैं, रिपोर्टर्स तो वैसे ही तलवे चाटते हैं इनके सारे के सारे जो पहुंचे हुए हैं, वो तो बात सही है, प्रेस को तो वैसे ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, है ना। अगर इनके अगेंस्ट कोई सवाल पूछ लो दोबारा उसको चांस ही नहीं मिलेगा, डरते भी हैं नए लोगों को करने में, चलो वो तो छोड़ ही दो, किसी ने सवाल कर भी लिया ढंग का उसको उल दे रहा भाई श्रेयस अय्यर, और सारे के सारे ऐसे ही हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं कि जी हमसे उल्टा सवाल मत करो, बड़ा प्रेशर है जी हमारे, बड़ा प्रेशर है जी, तो मत खेलो। आपके ज्यादातर प्लेयर तो एक साल दूसरों को चांस दे दो, आपके ज्यादातर प्लेयर तो एक साल में 6-6 महीने इंजर्ड ही रहते हैं, टर्न नहीं मिला पिच पे, तो हो गया आपके प्लेयर एक साल लगातार खेलते कब हैं वो बता दो मुझे। आधी टीम आपकी इंजर्ड रहती है, आधे प्लेयर्स आपके एनसीए में रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई आपका प्लेयर एनसीए में पाया जाता है, तो आपका आप सीरियस हो ही नहीं। सीधी सी बात है, जब आप खेल रहे होते हो आपको पता नहीं होता कि बॉडी किस तरीके से मेंटेन कर। प्लेयर प्रो भाई जो आप बोल रहे हैं ना, सुशांत भाई के पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप एंड WTC जीत लिया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन मिच मार्श को लेके गया है, ये डिफरेंस है चैंपियन एंड चोकर में। एक बात बता दूं आपको, आपका ये सिर्फ BCCI की वजह से नहीं है, फैंस भी इतने ढीठ के बच्चे हैं कसम से कि उनको सिर्फ IPL से मतलब है, अब वर्ल्ड कप से किसी को मतलब नहीं है। रोहित शर्मा का T20 फॉर्मेट में बनता ही नहीं था खेलना 2000, स्पेशली ये जो 2022 आ रहे हो, 21 में भी परफॉर्मेंस नहीं, 22 में भी जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद T20 में नहीं। अगर आप उसके बाद T20 से हटा देते रोहित शर्मा को, फैंस पागल हो जाते, कैसे हटा दिया, ये कर दिया, रोहित कप्तान है, आप कप्तानी की बात कर रहे हो, एज अ प्लेयर ही टीम में जगह नहीं बनती भाई। लेकिन वहां पे उन्होंने फ्यूचर देखा, आप तो पास्ट में जीते रहते हो, आपने हार्दिक को कप्तानी दी, फुल फ्लेजेड तो नहीं दी, आपको पता था उसके बस की नहीं है, आपको पता था शायद रोहित के बस की ना हो,
तो आप चलते हो दोनों नाव में कि फैंस बुरा ना मान जाएंगे। अबे कोई तो बोल्ड कॉल ले लो, प्लेयर छोड़ता नहीं क्योंकि उसको माल दिख रहा है, कौन छोड़ेगा भाई? जब तक जलील हो के यहां पे इंडिया में किसी प्लेयर को निकालो ना, वो छोड़ता ही नहीं। क्रिकेट खत्म हो चुकी है, रन आ नहीं रहे, कप्तानी हो नहीं रही, सब कुछ हो गया, लेकिन प्लेयर छोड़ेगा नहीं। प्लेयर डटे पड़े हैं, कोई अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। और इनको देखा देखी अब हमारे अंडर 19, भाई कम से कम मैच में तो होके दिखा दो, गेम तो खेल लो, फाइट तो दिखा दो। कौन इनको दिलेरी? कनितकर साहब बैठे हुए हैं, वीवीएस लक्ष्मण जी, राहुल द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ जी जिन्होंने लेजेंड है मान लिया, खुद कभी नहीं कुछ जीता, वो क्या जिताएंगे आपको ये बता दो जरा। और T20 कोचिंग कर रहे हैं, वो भी मजबूरी में कोच है वो, पहले आप गए थे जी नेहरा जी के पास, नेहरा जी ने आपके मुंह पर मना कर दिया, आप फिर आ गए राहुल द्रविड़ के पैर पकड़ने। राहुल द्रविड़ पहुंच गए रोहित के पास कि चल यार इतना तो हार ही गए, थोड़ा और हार लेते, आ जा। तो माइंडसेट से लेकर, घमंड से लेकर, एटीट्यूड से लेकर, एक जो आपकी पूरी वाइब है ना, वो ही बड़ी नेगेटिव हो चुकी है, बहुत नेगेटिव हो चुकी है। और ये तो वाकई सच है कि भाई वर्ल्ड कप से आपको कोई लेना देना है नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ IPL से आपको मतलब है। ये तो चलो आज बच्चे हारे हैं तो थोड़ा सा मन की भड़ास निकल रही है, इनकी तो कोई गलती नहीं है, बेचारों ने आके IPL में तो नाम करना ही, अपना रोशन करें, जल्दी जल्दी IPL खेलें। लेकिन मेरा तो मैनेजमेंट से और BCCI से सवाल है भाई कि आपकी टीम फाइनल में होती क्यों नहीं है? वैसे आप फाइनल खेलने जाते हो, आप खेलते नहीं हो फाइनल, आप क्यों नहीं खेल पाते फाइनल ढंग से, ये बताओ। पिछले 8 महीने में आप तीनों फॉर्मेट में हार गए उनसे, मतलब फॉर्मेट चलो दो ODI फॉर्मेट है, एक टेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन 3 वर्ल्ड कप आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, कौन जवाब देगा इसका? क्या ऑस्ट्रेलिया कोई बाहर चांद से आ रही है क्रिकेट खेलने? ऑस्ट्रेलिया के पास आपसे ज्यादा फैसिलिटीज है, ऑस्ट्रेलिया के पास आपसे ज्यादा बड़ी लीग है, या यही है कि आपने मैनेजमेंट में ढंग के बंदे नहीं रख रखे, पर्चियां नहीं रख रखी, मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और आपने सारे के सारे द्रविड़, कनितकर, लक्ष्मण, यू डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द जॉब सिंपली। भाई थोड़े टफ डिसीजन मेकर, थोड़े ऐसे बंदे लेके आओ जिनकी इज्जत करे टीम भी, जो टफ बोल्ड डिसीजन ले सके। कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, एक्सप्रेस योरसेल्फ, खेलो खुल के, अटैक करो। वैसे हारना बर्दाश्त है भाई, ऐसे हारना बर्दाश्त नहीं किसी को, बिना लड़े फाइनल में आ गए, सुबह से बैठे हुए हैं जी, संडे को देखेंगे जी मैच देखेंगे, ये मैच खेला है आपने, ये कौन सी बुजदिल मैनेजमेंट है भाई? ना हम बाकी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस एक्सेट्रा में अच्छे हैं, ना ओलंपिक्स में इतना कुछ खास है, वापस आके बस क्रिकेट ही खेलते हैं, उसमें भी हम हार रहे हैं। भाई वही तो बात है, जब आपके आसपास भी कोई नहीं है फैसिलिटीज में, पैसे में, आपका फोकस ही सिर्फ क्रिकेट पे है, वो भी आप नहीं जीत सकते, तो फिर खेलते क्यों हो आप फाइट? सुशांत जी ढंग से आप फाइट करते ही नहीं हो, अब आप एक इस तरह से लड़ते हो कि पता नहीं कि भाई चल क्या रहा है आपके। अब पता क्या, बीइंग फैंस हम ऑस्ट्रेलिया से सकते नहीं, आपने क्या बोला था, ऑस्ट्रेलिया से बदला लेंगे, ले ले बदला, ले 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 बदला, जगह बदला हो ही गया। मेरे को तो चाहिए हम भाई फाइनल कोई हराए तो ऑस्ट्रेलिया को हराए, इतनी बार हम हरा के जाते हैं, बदला लेंगे हम फॉर गॉड सेक। अब ये है कि बीइंग फैंस हम बता भी नहीं सकते भाई हाँ ये कारण है, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, कितनी हार होंगी, कितनी हार हो गई है। आपके पास दुनिया में हर एक चीज है, यू हैव ऑल प्रोविजंस, यू हैव ऑल बेस्ट फैसिलिटीज, पैसा एक तरफ, हाँ आपका बोर्ड सबसे अमीर है, आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास बेस्ट कोचिंग है, आपके NCAA में वैसे इक्विपमेंट्स हैं जो शायद क्रिकेट से रिलेटेड चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके प्लेयर्स के लिए वो मुहैया करवाए गए हैं। यू ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास, यू हैव एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। बाकी बोर्ड्स के प्लेयर्स को देखो जाके, लिटरली जाके उन्हें देखो, ये जो वेस्ट इंडीज वाले कितने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दिखाया था कि हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, तब से आपकी क्रिकेट फ्लरिश हुई, बिकॉज पागल हो गए लोग हिंदुस्तानी कि अच्छा क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन है, सब बच्चे बच्चे ने गांव देहात में, उनके पास पता है क्या था 83 वर्ल्ड कप की टीम के पास। ये जो आज श्रेयस अय्यर बात तो सही ड्रॉप हुआ ना, जो IPL का कप्तान, पूरी जो 83 की टीम होगी ना उनके पास मिला के इतना पैसा नहीं होगा जो इसने अभी से कमा लिया होगा। कपिल देव पाजी को छोड़ दो, थोड़े और को छोड़ दो भाई, उनके पास जब वो जीते हैं ना पार्टी करने तक के पैसे नहीं थे, बिल कौन भरेगा उनको ये नहीं पता था। BCCI का आपको किस्सा याद है ना,
कि लता मंगेशकर जी से स्पेशली एक शो करवाया गया, उस शो से उन्होंने आपकी टीम को पैसे दिए गए, स्पेशल शो किया गया और लता मंगेशकर जी ने कोई फीस नहीं ली थी। उसके बाद बीसीसीआई ने लता मंगेशकर जी को इंडियन क्रिकेट टीम के लाइफ टाइम मैचेस की, कोई भी मैच हो दुनिया का इंडिया इंडिया की टीम खेल रही है, फ्री टिकट उसमें दी। हालांकि लता मंगेशकर जी ने कभी एक भी टिकट उस मैच की ली नहीं। आपने कोई भी मैच, जब जब आपने बुजदिली को प्रमोट किया ना, आपको मुखी खानी पड़ी है। केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को खिला खिला के अपनी बेइज्जती करवा करवा के, पर्ची प्लेयरों को इंक्लूड कर करके, जिन प्लेयर्स की जगह नहीं बन रही, रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती थी T20 में, भाई आप जबरदस्ती खिलाया, आपने दो वर्ल्ड कप खराब कर लिया, उनको कप्तान बना दिया आपने, नहीं बनता था। हार्दिक पांड्या जो 2021 का वर्ल्ड कप खेला उसका नहीं बनता था, वो फिट ही नहीं था। भूवी का नहीं बनता था, आप जबरदस्ती खींचे जा रहे हो जबरदस्ती। अब आया रिंकू सिंह, अब आए दूसरे बच्चे, मतलब इतने प्लेयर आपके पास हैं। बाद में लेकर राइट टाइम पे राइट प्लेयर को ना खिलाना, कौन कोचेज आए आपके, सारी जी हजूरी करने वाले कौन सिलेक्टर आए आपके? चेतन शर्मा जी आए थे, वर्ल्ड कप हारने के बाद निकाल दिया और फिर रख लिया, उन्हीं को रख लिया, वो तो स्टिंग ऑपरेशन की वजह से बाहर हो गए। अभी आ गए अजित अगरकर जी, कौन से सिलेक्टर है भाई ये, कौन सुन रहा है इनकी? वो गए थे साउथ अफ्रीका, वहां पे सुन सुना के वापस आ गए, जय शाह से मीटिंग करी, फिर टीम अनाउंस करी। टीम अनाउंस करने में तो इनकी हालत खराब हो जाती है, 4 दिन लग जाते हैं एक टीम आने में, इनको पता ही नहीं है भाई, लगता है क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या किस तरीके से चलना है, विजन ही नहीं नजर आता। मैंने खुद देखा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हारने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अनदर डे इन पैराडाइज फॉर देम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने वाले सचिन तेंदुलकर वगैरह ने जो इज्जत कमाई, उनकी आंखों में शर्म, वो तो मतलब ऐसा लगता था कि धरती फट जाए, उसमें समा जाए अगर मैच हार जाते थे। ये तो हंस रहे होते हैं हर मैच में, वर्ल्ड कप हारने के बाद हर मैच में हंस रहे होते हैं, हारे कोई बात नहीं, कम ऑन शिगे, गेट रेडी फॉर आईपीएल, कम ऑन। तो आईपीएल 8 महीने का करा के खत्म करो ना, मुकाओ सारा आपसे आपा यार, क्या क्यों पंगे करते हो बार बार, सभी को पता लगे भाई, उम्मीद तो लगानी नहीं, खेलो ही मत। आपके आपके बच्चों ने भी देख लिया, एक बुजदिल केएल राहुल को ऑब्जर्व करके, बुजदिल टाइप के प्लेयर्स को श्रेयस अय्यर वगैरह, सूर्य कुमार यादव, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल बिगेस्ट पर्ची ऑफ ऑल टाइम, रविंदर जडेजा जो बैटिंग करी है इन लोगों ने, इनके भी वही देख देख के हालत, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, इनकी भी हालत खराब हो गई। वो बोल रहे भाई जब ये चोकर केएल राहुल इतने सालों साल चोक होकर इंडियन टीम में जगह बना सकता है, तो हम एक मैच में चोक कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सही बात है, जब आपने स्टैंडर्ड ही आपने केएल राहुल पे सेट कर दिया है, केएल राहुल पे शुरू श्रेयस पे खत्म, बात तो सही है, एंजॉय करो, फिर क्या जीतोगे फिर आप? खत्म सबको, सुपर चैट दिखा दो, सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी। स्ट्रिंग्स टू बुक बोल रहे हैं, अगेन रिफ्लेक्टिंग द कोचेस मेंटालिटी इन प्लेयर्स एटीट्यूड, लक्ष्मण द्रविड वर ऑलवेज ओवर डिफेंसिव, लक्ष्मण नहीं था, लक्ष्मण तेज खेलता था, गलत बोल रहे हैं आप, ओवर डिफेंसिव व्हेन दे आर प्लेइंग एंड हाउ कैन दे बी प्रोएक्टिव। देखो लक्ष्मण कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन जब खेलता था तेज खेलता था, इसीलिए 280 कुछ बनाया वो उसने, और ये शॉट खेलता था वो, बट ये जरूर है मैं द्रविड तो भाई हाथ जुड़वा लूं, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाई एवरीवन इज लिंकिंग वीवीएस लक्ष्मण सर्स नेम विद अंडर 19 टीम, बिकॉज़ वीवीएस लक्ष्मण इज एनसीए हेड, हां एनसीए हेड है, बट अभी अंडर 19 टीम साथ थोड़ी है, वो गए हुए हैं सरोज पात्रा बोल रहे हैं भाई इंडिया वालों को सिर्फ आईपीएल खेलना चाहिए, इनके बस की नहीं है आईसीसी ट्रॉफी जीतना, एक शेर था जो 3 ट्रॉफी दे गया, नाम बड़े काम छोटे। आ गया जी भाई, एक शेर नहीं जिताता, उसके पास भी शेर थे, युवराज सिंह, गंभीर, जहीर, नेहरा, हरभजन, बहुत लोग थे, सचिन तेंदुलकर, बहुत लोग थे, बाद में विराट वगैरह भी, वीरेंद्र सहवाग को लाओ एज कोच, फियरलेस क्रिकेट उसके बिना कोई नहीं सिखा पाएगा। उदय सिंह आप उनको ला ही नहीं पाओगे, जो भी टफ डिसीजन ले लेना उसको आप लाते ही नहीं, आपको जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए, आपको यस मैन चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने कल रोहित शर्मा को चैलेंज कर दिया कि पुत्र तेरी जगह नहीं बन रही, क्या करोगे वहां पे आप? सौरभ गांगुली के साथ पंगा हो गया विराट का, देखा आपने हमारे क्रिकेट का क्या हाल हुआ? और आपको यस मैन ही चाहिए भाई, आपको बड़ा नाम तो आप रखना नहीं चाहते, अनिल कुंबले का इक्वेशन नहीं ठीक बैठा था, खत्म हो गया।
अनिल कुंबले के क्वेश्चन एक तरफ और आपने वीरेंद्र सहवाग साहब को कोच बनने की बात कही, उन्होंने अप्लाई किया था, अप्लाई की बात एक तरफ, वीरेंद्र सहवाग साहब ने पॉडकास्ट में खुद बोला कि जब कुंबले की एग्जिट हो रही थी और शास्त्री जी की एंट्री हो रही थी, उन दोनों के बीच में ऑफ द रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग को गारंटी दे दी गई अब कोच बनने वाले हैं, बट उन्होंने कहा उसके बाद मुझे नहीं पता रातों रात क्या हुआ, ना कभी फोन आया ना कुछ हुआ, वो बात कभी ना कोई भी स्ट्रॉन्ग विल्ड इंडिविजुअल हो उसको ना ही लोग कप्तान साहब कभी नहीं बोलेंगे कि इसको कोच रख लो, क्योंकि वो उन्हीं को हड़का के बोल सकते हैं भाई तेरी खुद की तो परफॉर्मेंस है नहीं, तू किस मुंह से कप्तान बना हुआ है, फिर क्या होगा, जैसे ग्रेग चैपल ने बोल दिया था सौरभ गांगुली को कि यू ड्रॉप योर सेल्फ, हालत खराब हो गई थी आपकी, कलेश पड़ गए थे, दिखाइए जी सुपर चैट दिखा दीजिए, तो भाई एक ही बात है, बात तो सही है, आप हार गए हो, इसको मान लो आपके आप पिछले, हमने अभी ग्राफिक दिखाया ना आपको, पिछले 8 महीने में WTC फाइनल, ODI वर्ल्ड कप फाइनल, Under-19 वर्ल्ड कप फाइनल आप हार गए ऑस्ट्रेलिया से ही, उसे ना 12 उसे 12 महीने कर दो, बिकॉज फरवरी में पिछले साल आप कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल भी हारे ऑस्ट्रेलिया से, आप T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आप हार गए, वुमेन्स कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल आप हार गए ऑस्ट्रेलिया से, दो तो दो ये भी 12 साल जो करंट ट्रूली इंडियन बोल रहे हैं हम, रोहित राहुल जडेजा पांड्या अय्यर इसमें उलझे रहते हैं, वार्नर सैमुअल्स कमिंस स्टोक्स हेड जैसे अपनी कंट्रीज को 2-3 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, भाई हमने फालतू में ओवर हाइप कर रखा है, हम फालतू में भगवान बनाते हैं क्रिकेटर्स को, कोई जीता नहीं इनमें से कुछ भी, बट ये सब भगवान की उपाधि मिली हुई है इनको, इन पे कुछ बोल दे बस तलवारें उड़ जाती है, ए, कुछ मत बोलना इनको, अबे क्यों मत बोलना, क्या खड़ा भाई इन्होंने, राहुल जडेजा पांड्या अय्यर, भाई चलो रोहित का मैं समझ सकता हूँ, बहुत टाइम से खेल रहा है, बड़े बड़े रिकॉर्ड है, बड़े बड़े मैचेस में भी कुछ करा हुआ है, साथ का वर्ल्ड कप इसमें भी तगड़ा खेला हुआ है, समझ सकता हूँ रोहित को पास दे सकता हूँ, विराट का तो खैर बोलने की बात ही नहीं है, मगर ये केएल राहुल मेरे को सबसे गुस्सा चढ़ता है, जब कोई केएल राहुल का फैन आके मेरे से आर्ग्यू करता ना कि तू उसको क्यों बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई तू उसका फैन बना कैसे, वैसे किस बेसिस पे तू केएल राहुल का फैन है पहले ये बता, उसने इंडिया को जिताया क्या पहले ये बता, जब भी बड़ा मैच होता है सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट वही करता है, तू उसका फैन क्यों है पहले ये बता दे, केएल राहुल का कोई फैन कैसे हो सकता है, ये जडेजा मतलब फर्जी होने की भी, ये जडेजा पांड्या ये इतने इंजर्ड रहते हैं, लोग इतने इंजर्ड, अय्यर के भी, अब देखो आप ये कह सकते हो कि 2013 की भाई मेरे अय्यर के भी फैन हैं, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, मैं तो जडेजा ने अच्छा ही किया था, तो पता नहीं इन लोगों के कहां से फैन पैदा हो रहे हैं, अय्यर ये आप बोल सकते हो, अय्यर हार्दिक अय्यर जडेजा पांड्या ये वो, ये जडेजा पांड्या ने जिताया क्या ये बता दो, जडेजा ने 13 में जिताया है आपको, हालांकि वो काफी पहला अर्सा हो गया, लेकिन वो वहां पे फाइनल में विराट के साथ दूसरी पार्टी, यार ये बात एक तरफ, अगर हम इस सुपर चैट में जब से धोनी गया है उसके बाद से इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जिता दो, तब तो कुछ नहीं, क्या जिताया इन सबने, मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं किया इन सबको एक तरफ रखो, बट अगर अभी सुपर चैट का थोड़ा ढंग से देखो, रोहित राहुल जडेजा पांड्या इनका कंपैरिजन हो रहा है सैमुअल्स कमिंस स्टोक्स भी कुछ है नहीं वैसे भी, जिताया नहीं कुछ इतना खास, अब ये देखो, कभी आपने सुना ऑस्ट्रेलियन बोर्ड में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कुछ हुआ है जैसे आपका रोहित वर्सेस पांड्या चल रहा है, जैसा ईशान किशन चल रहा है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि पैट कमिंस की PR की तरफ से आया है, हमारे वाले क्रिकेटर्स की PR बनी पड़ी है, वो वर्ल्ड कप जीत के घर जा रहा है, सिर्फ 4 से 5 जर्नलिस्ट उसे कवर करने के लिए आ रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको कहते हैं गाइस यू आर प्लेइंग योर स्पोर्ट, और वहां पे एक ट्रूली स्पोर्ट स्पिरिट दिखाया जाता है, हमारे वालों की PR बीच में आ जाती है, मीडिया टीम बीच में आ जाती है, लीगल एडवाइजर्स बीच में आ जाते हैं, वहां कभी ऐसा नहीं होता, हमारे में रोहित से शादी करवा लो, आगे आ जाइए सुपर चैट आगे दिखा दीजिए, ड्रामेबाजी मैंगो मैन बोल रहे हैं, स्किल टैलेंट पैसा एबिलिटी ये सब एक लेवल तक काम करता है, सक्सेस भी दे देता है, पर वो जो लास्ट स्टेप होता है वो माइंडसेट और टेम्परमेंट है जो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स पर्सन लेके पैदा होते हैं, मेन विमेन दोनों, भाई हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं, हम साउथ अफ्रीका नहीं है जो बचपन से ही चोक कर रहे हैं, बट वो फाइटिंग स्पिरिट आपकी खत्म हो चुकी है, बिकॉज पैसा इतना आ गया, आजकल के बच्चों का एक ही ड्रीम होता है IPL, मैं ही आपको फैक्ट बता रहा हूं, आजकल के बच्चों का ड्रीम ही है IPL, कौन पूछ रहा है वर्ल्ड कप को यार, ये तो हम अपने बचपन में देखते थे ना कि वर्ल्ड कप कितनी बड़ी चीज है, ऑस्ट्रेलियंस आज भी बोलते हैं कि भाड़ में गया IPL, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड कप, वो छोड़ देते हैं, वो BBL अपना मैटर करते हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाए सब कुछ, हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हमारे लिए वो मैटर करता है, प्रायोरिटी की बात है यार, माइंडसेट से ज्यादा मैं बोलता हूं प्रायोरिटी की बात है, जब आप हल्के में लोगे, अब प्रिपेयर ही नहीं करते, आपके कप्तान खुद बोल रहे हैं
कि जी आईपीएल के तुरंत बाद हमारा डब्ल्यूटीसी फाइनल हो गया, हमें जगह नहीं मिली, एक महीना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। अब क्या होगा, सेम चीज तो आज भी होगी, आईपीएल खत्म होगा, टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, तब तुम्हें तो तुमसे प्रिपेयर करने को मिल जाएगा भाई, और सारा फोकस तो तुम्हारा आईपीएल पर ही है। झूठ तो तुम खुद ही बोलते हो, वर्ल्ड कप से तुम्हें मतलब क्या है, वर्ल्ड कप तो तुम खाना पूर्ति करने आते हो, और क्योंकि तुम्हारी टीम इतनी अच्छी है सेमी और बाकी कॉम्पिटिशन इतना अच्छा नहीं है, सेमीफाइनल तो तुम वैसे ही पहुंच जाते हो, सेमीफाइनल में अपने आपको शेर दिखा देते हो कि सेमीफाइनल खेल लिया, फाइनल खेल लिया, बब्बर शेर हो गए हम, आगे आ जाइए, यही तो ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, और चल क्या रहा है, दिखाएं जी। उदय सिंह कह रहे हैं भाई लोग 100 बात की एक बात, इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इंडियन क्रिकेट से, कुछ तो करना पड़ेगा बीसीसीआई को, बट दैट इज श्योरली नॉट आईपीएल। इंटरेस्ट तो भाई खत्म हो क्या करेगी बीसीसीआई भाई, आईपीएल को बढ़ाएगी बीसीसीआई, आईपीएल को भी 3 महीने 4, 5, 6, 8 महीने का आईपीएल होगा अगले 5 साल के बाद, देखना आप, ये इंटरनेशनल इंटरनेशनली कोई कदर नहीं करेगा, सिर्फ सबके सब आईपीएल देखेंगे, एंड वी आर रेडी फॉर इट ब्रदर। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, मैं तो भाई आईपीएल, जब पब्लिक का इंटरेस्ट ही आईपीएल में है तो भाड़ में जाए इंटरनेशनल, क्यों खून के आंसू रुलवा रहे हो, मैं एक ही खेलो आईपीएल, पूरी दुनिया से प्लेयरों को बुलाओ और आईपीएल खेलो, एनबीए भी तो यही होता है, मैं तो खुश हूं आईपीएल से भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो वाले जमाने चले गए यार, क्यों हम रो रहे हैं अभी बैठ के, अपने दिल क्यों तोड़वाऊं मैं, हमारे दिल हम क्यों तोड़वाएं यार बार बार, कि वर्ल्ड कप कुछ होता है भाड़ में जाए, नहीं खेलना तुम, नहीं सीरियस हो छोड़ दो ना यार, आगे आ जाइएगा। थैंक यू उदय सिंह जी, यही है भाई कि आपका जो है दिल टूटता जा रहा है, इंटरेस्ट जो भी खत्म हो रहा है, क्या रह गया, 40 दिन रह गए, 40 दिन में आईपीएल शुरू, एक लेजेंडरी कोहली की और प्लेयर वर्शिप पे थी सुपर चैट, वो दिखा दीजिएगा, बोल 40 दिन रह गए, जैसे ही 40-42 दिन के बाद आईपीएल शुरू होगा सब भूल जाओगे, क्या डब्ल्यूटीसी हारा, क्या अंडर 19 हारा, क्या वर्ल्ड कप हारा, फिर शुरू होगा तेरी आरसीबी, तेरी एमआई, तेरी सीएसके, तेरी पंजाब, तेरी दिल्ली, तेरी गुजरात, ये वो, फिर सब भूल जाओगे, फिर खत्म होगा, फिर वर्ल्ड कप हार के फिर इन बातों पे आ जाएगा, देख लिया था ये हो गई है। एक और सुपर चैट आई है, देख लीजिएगा, कुछ नहीं होना, ये उम्मीद खत्म होती जा रही है, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, इस बार बहुत डिसअपॉइंट कर दिया ना, एशिया कप तक आगे बोल रहे हैं, कैफ 8th विकेट गिरने के बाद बोल रहा था, अभी भी देर नहीं हुई है, हम मैच जीत सकते हैं, भाई हम हो गए पागल, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, उन्होंने पता था कब बोला था, जब मुर्गन अश्विन की थोड़ी बाउंड्रीज आ गई थी, खत्म हो चुका था मैच यार, तीन साल क्या हो जाएगा, उन्होंने तब बोला था शायद कुछ, उनके जैसे प्लेयर को शोभा नहीं करता ऐसी बात करना, जो खुद अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, नहीं बोल सकते हारे वो मैच, हमें पता है हारा हुआ मैच है, नितिन कुमार 1028 पढ़िए जी, नितिन कुमार बोल रहे हैं, इफ दिस अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन अदर स्पोर्ट दैट स्पोर्ट्स माइट हैव वन मेनी मेडल्स एंड कप्स, सी हॉकी टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल डिस्पाइट फंड्स, हॉकी टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल, अभी देखो हॉकी टीम का स्पॉन्सर, हॉकी टीम का सिर्फ एक स्पॉन्सर है ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट, उसके अलावा कोई ना स्पॉन्सर नहीं ढंग से करता, एंड ओवर द टॉप इसके ऊपर आप देखो नीरज कुमार, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी अब से तकरीबन 6 महीने पहले वो अभी भी अर्जी कर रहे थे कि भाई मुझे आप एक ट्रैक बना के दे दीजिए, जो जेवलिन थ्रो के लिए एक बिल्कुल ठीक तरह ट्रैक होता है उसका, मेरे को जब नीरज चोपड़ा को अब तो उसके लिए अब करवा दिया कि उसके बाद जब श्रीनगर विजुअल्स बोल रहे हैं मोए मोए, जब वो ये बात को थोड़ा आगे लेकर आए, इंडिया चैंपियंस बोल रहे हैं 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 इज ग्रेटर देन पाकिस्तान 2004, 2006, ठीक है जी वो बात तो सही है, पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, ज्यादा फिल्में चलती रहती है, तुम लोग जबरदस्ती पाकिस्तान को नीचा दिखा के हे 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 हम बड़े, ये क्या कोई बात है क्या, ये आप अपने पाकिस्तान ना उनकी इकोनॉमी ना गवर्नमेंट, अभी देखो इलेक्शन हो उनको अभी तक नहीं बता ही नहीं पा रहे हो कि इलेक्शन जीता कौन, रिजल्ट आ गया ना वहां, कौन जीता पिछले 2 दिन से, तो यही सुन रहे कि अब रिजल्ट आ रहा है, कहां है रिजल्ट, आया तो नहीं है, इमरान खान के पार्टी वाले बोल रहे हम जीत गए, वही वो नवाज शरीफ की पार्टी वाले बोल रहे हम जीत गए, पागल बना रहे हैं वो यार, बस की नहीं है, तो इनका परसों ही आने वाला था, घंटा आया परसों, मैं वो भी देख रहा हूँ कि पर्ची आने की क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी परसों आने वाला था रिजल्ट इलेक्शन, अरे बकवास, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इकोनॉमी उनकी नहीं, मुल्क उनका बर्बाद हो गया, फिर भी तुम क्रिकेट में उनसे कंपैरिजन करते हो, कोई कंपैरिजन, और वो फिर भी जीत जाते, बताओ यार, उन्होंने तो जीते ही लिया ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो जीता है 2017, श्रीलंका मुल्क बर्बाद जीता पड़ा, वेस्ट इंडीज बोर्ड खत्म, और पता नहीं लीग सारी खेलते हैं वो फिर भी जीत गए, दो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, अश्विन बोल रहे हैं सुशांत जी माइकल वॉन वाज राइट, इंडियन टीम इज ओवररेटेड, मैं तो खुद बोलता हूँ दे आर अंडर अचीवर्स एंड वी आर ओनली प्लेयर ऑब्सेस्ड एंड नॉट अ टीम ऑब्सेस्ड नेशन, अश्विन 100% सही बात है, वी आर द बिगेस्ट चोकर्स एंड बिगेस्ट अंडर अचीवर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एटीट्यूड हमारा ऐसा है जैसे कि पता नहीं हम फन्ने खाएं,
और हमारी कारगर्दगी, हमारी जो परफॉर्मेंस है, ठुन-ठुन गोपाल है हम, कुछ भी नहीं है। प्लेयर को भगवान बनाओगे तो उसके अंदर बकवास। आप यार, आप ओडीआई वर्ल्ड कप याद करो, एक विकेट गिरी रोहित शर्मा, दूसरी विकेट गिरी श्रेयस अय्यर, हालत खराब, केएल राहुल द माइटी, द ग्रेट राजा बेटा ऑफ इंडियन क्रिकेट, सिंगल नहीं निकल रहा भाई से। जडेजा आया, सिंगल नहीं निकल रहा। सूर्य कुमार यादव द 360, द च्विंगम मैन ऑफ इंडिया, कम ऑन गाइस, नंबर 1 T20, या कम ऑन, दोबारा करना, अच्छा लगा। नंबर 1 बर्बाद, सूर्य बर्बाद, जडेजा बर्बाद, केएल राहुल पैदाइशी बर्बाद, श्रेयस अय्यर बात तो सही है बर्बाद, सब बर्बाद, एक विराट और रोहित बस, वो भी क्योंकि वो 50 साल से खेले जा रहे हैं भाई। वो अगली सुपरस्टार दिखा दो, हिम्मत ही नहीं है खेलने की, हिम्मत ही नहीं होती आपकी। गोरी है कलाइया, मैं ला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां, यही करो अब बैठ के, ये करने दिया, हिम्मत ही नहीं है। ये गाना था ना, वैसे वो किया, किस वो बढ़िया था, वैसे कह रहा हूँ सुपर चैट गाने गाओ आप बैठ के, मैं तुमसे अभी, मेरे को ये बताओ आप, चलो च्युइंगम मैन की बात करी ना, सूर्या वर्ल्ड कप में खेल लेगा इस बार? सूर्या खेलेगा तो है ही, मैं कह रहा हूँ रन मार देगा वो, भरोसा तो है, भरोसा तो नहीं है क्योंकि उसने किया है। नहीं है, देखा नहीं है ना हमने। सूर्या पाकिस्तान की गेम है पहली, पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल, भगवान करे तुम फाइनल पहुंचो, मार लेगा वो रन बंदा। आयरलैंड कनाडा के खिलाफ तो मारे नहीं, इसके अगेंस्ट तो मुझे ही पता है, हांगकांग कुमार उसका नाम, ऐसे तो नहीं पड़ा था ना, जो बड़ी टीम आएगी मार लेगा, नंबर 1 बैटर भाई, नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड है, या खाना मार लेगा पाकिस्तान ना, भरोसा नहीं है मुझे पाकिस्तान वाले मैच में। ये तो तुम्हारे हाल है, तो मैं कहां से आएगा, उसने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा ही नहीं है रन T20 में, इससे पहले किसी मैच में रन कर दिया होता तो भरोसा होता कि चलो कहीं एशिया कप में मार दिया हो या T20 वर्ल्ड कप में, कहीं नहीं है रन भाई। ये तो तुम्हारे हाल है मेरी जान, कहां से भरोसा, ये तो तुम्हारे हाल है। सुपर चैट दिखा दीजिएगा जब तुम्हें अपने नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड पे भरोसा नहीं, उस मैच में तो नहीं, नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड अश्विन को तुमने WTC फाइनल नहीं खिलाया, नंबर 1 टीम तुम जीते तुम नहीं, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 इंडिया कुछ नहीं जीती। रघु बोल रहा है हाय गाइस, जस्ट शिफ्टेड टू द यूके लास्ट वीक, अरे भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू ब्रदर, अच्छा अब पाउंड में भेजियो सारे हमें है, और 10 पाउंड से कम दिखनी नहीं चाहिए तेरी सुपर चैट, अभी बता बदल गया, बदल गया इसका पाउंड मोके पर रुपीस आता है ऐसा, बहुत में वार है रघु भाई, 10 पाउंड से कम ना सुपर चैट दिखनी नहीं चाहिए अब तेरी, ये बता दी तुझे, अब लानत नहीं है, लानत नहीं है तेरे, बहुत बहुत मुबारक, लेकिन तो मजाक कर रहा हूँ, दिल से बहुत बहुत मुबारक तुझे यार, और अच्छा करना हिंदुस्तान का नाम ना रोशन करना, बाहर गए हो तो पक्के यूके वाले। पक्के नहीं हुए तो पक्के हो जाना, लेकिन पक्के होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें मत करना, वैसे यहाँ पे हमारी टीम देखो क्या हरकतें कर रही है। केएल राहुल अभी भी सड़ी बुद्धि के साथ पता नहीं कैसे अपने आपको जस्टिफाई करता है, जी पता नहीं कुछ तो लोग कहेंगे अब मेरे साथ, ये बुमराह मैं तो हैरान हो गया उस दिन बुमराह के ड्रामे देख के, कौन से के भाई सपोर्ट एक बंदा कर रहा है, कांग्रेचुलेशन इतने बंदे कर रहे हैं, भाई किसने सपोर्ट नहीं किया तुझे, के लिए लिखा हो मतलब जो यार किसने बुमराह, किसने बकवास बुमराह, किसने सपोर्ट नहीं किया के बिना, जब जब इसकी जरूरत पड़ी है बुमराह की, इसने हमें बर्बाद करवाया, हर किसी ने सपोर्ट किया उसके बाद भी हर जगह पे भाई, आप इतने बड़े बॉलर हो, आप जिता दो ना फाइनल, खत्म करो आप दूसरी टीम को, जिसने जिताना होता ना वो जिता जाता, कमिंस ने आके जिता दिया ना फाइनल, कमिंस ने आउट कर मोहम्मद आमिर ने जिता दिया ना फाइनल, जिसने जिताना होता है फाइनल वो जिता जुतू के खत्म करता है भाई, बुमराह आउट कर लेते ना आप ट्रेविस हेड को, तुम खेल रहा था वो, यही होते रहता बस, खेल रहा था 100 मार गया है, यही स्टार्ट लेते रहते हो आप भाई, बड़े मैच जिताओ, ये चोकिंग का सिस्टम खत्म करवाओ भाई, कब तक देखते रहेंगे हार 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 हार, बंद कर दो खेलना, आईपीएल ही खेला करो, मैं तो वेट कर रहा हूँ आईपीएल की, मैं तो चैन ही आईपीएल में पढ़ना है कि भाड़ में जाए, कम से कम कोई हरा तो नहीं सकता, चाहे कोई भी जीते हम ही जीतेंगे, चाहे पंजाब जीते, चाहे दिल्ली जीते, चाहे CSK जीते, चाहे मुंबई जीते, चाहे पंजाब जीते, दोबारा बोलना, पंजाब चाहे जीते दोबारा नहीं हो पाएगा, चाहे दिल्ली जीते, चाहे CSK कोई भी जीते, चार बार बोलो, कप इंडिया में रहेगा ना, कप इंडिया में रहेगा, हम सारे खुश हैं, हम क्यों हम बाहर जाके बेइज्जती करवाए अपनी भाई, पंजाब जीतेगा आप कब, अपना और पंजाब के दिक्कत नहीं है, केएल राहुल की आंखें बड़ी बड़ी, यूं आईपीएल में आएगा रन, यूं इतना क्लोजली कौन ऑब्जर्व करता है यार आईपीएल बार बार हर दो मिनट के बाद, यूं बड़ी बड़ी आंखें, हाँ उतने बड़े बड़े जीरो,
मतलब इतनी डॉट बॉल कोई खेलता है? अभी देखना लखनऊ सुपर जायंट से, 6 नंबर पे आएगा बैटिंग करने, 5-6 नंबर का। उसको अगर मैच जितवा के भी दे दो ना कि ये ले मैच जीत गए, आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए, वो हरवा के दे देगा। देखना आईपीएल में इस बार मैं श्रेयस अय्यर भी आ जाएगा चौड़ा होकर आईपीएल में, बता रहा हूँ आपको दोनों, ये दोनों इस बार आने वाले हैं आईपीएल में और एंट्री करेंगे टीम इंडिया में फिर से। सही बात, खत्म आपका। बाकी प्लेयरों को चांस, राहुल तेवतिया बेचारा इतने मैच जीता जीतू के उसको अभी तक चांस नहीं मिल रहा, वो दो बॉलर पे दो छक्के। राहुल त्रिपाठी आया बेचारा, अच्छा भी खेला बाहर हो गया। वेंकटेश अय्यर आया, अच्छा खेला बाहर हो गया। जितने बंदे आए उनको चांस मिला, उन्होंने अच्छा भी करा बाहर हो गया। एक बात बताओ, फुनसुक वांगडू ने एक सुपर चांस दिया, बोलिए। थ्री इडियट्स कह रहे हैं जस्ट इमेजिन बाबर आजम एंड केएल राहुल ओपनिंग इन अ टी20 गेम, 20 ओवर 105 रन। नहीं वो खेलेंगे फिर इथियोपिया के साथ ही खेल सकते हैं वो लोग, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा किसी के साथ वो खेल। युगांडा भी है वैसे वर्ल्ड कप, युगांडा भी उनको छितर मारेगी, युगांडा भी जीत के आई है अभी। हाँ, युगांडा ने जिम्बाब्वे को हराया, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, मतलब युगांडा ग्रेटर देन पाकिस्तान। यस वारोगो जी, यू कैन टेल, बता रहा हूं विराट जायंट्स इज इन द प्लेऑफ। कौन विराट जायंट्स? कौन सा प्लेऑफ? एसए20 विराट जायंट्स, एसए20 गुजरात का चल रहा है, गुजरात या गल्फ सब हो गया, गल्फ गुजरात जायंट्स। एसए20 में नाम तो ऐसे ही थे हमारे इसमें, अच्छा अरे प्रो कबड्डी, मतलब हमारे ऐसे थे ना कि इंडियंस और ये प्रो कबड्डी लीग, इसका रिजल्ट आ गया गुड। क्रिक इंडिया बोल रहे हैं आई होप समडे इंडिया विल बीट ऑस्ट्रेलिया इन अ फाइनल, बस ये होप पे चलते रहो, होप पे चले, होप पे चलते रहो, उम्मीदों पर दुनिया कायम है लेकिन खुशी तो मनाएंगे ना, कहीं खुशी कहीं गम, ये तो हारी भी हमारे भाई, हम तो हार के भी आते हैं तो भी हमारे प्लेयरों के पैरों में लोट लोट के जब लोग डांस करते हैं तो वो जीतेंगे क्यों? जब वो हारे के ही हीरो बने हुए हैं तो वो जीतने की मोटिवेशन कहां से आएगी भाई? यहाँ पे जीत के भी उनको हार वाला मतलब टाइप की फील मिलती है कंट्री जाए तो, कि कोई सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे हार के भी अगर रोहित शर्मा चले जाए एयरपोर्ट, विराट कोहली चले जाए, लोट लोट के उनके पैरों में डांस कर रहे होते लोग नागिन डांस, तो क्यों जीते हैं वो? क्या मोटिवेशन है जीतने की? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर से वही बनेगा। अब तो दोनों क्लिप चैट दिखाओ भाई, कोई अब दो क्लिपें कटेगी एक साथ, सुपर चैट दिखा दीजिए। पहले तो वो हो रहा था ना सिंगल, छोड़ो ना यार, ये यही हो रहा है भाई, नॉर्मल कमेंट भी पढ़ लीजिए पांडे। हर साल हर बार एक ही चीज, नया थोड़ी है, तुम जाओ। एंटी बोल रहे गाबा वाला मेरा सुपर चैट मिस कर दिया। 22 में हमने किसको हराया था? 22 में इंग्लैंड फाइनल में, इंग्लैंड को आप हरा लेते हो, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका देख लीजिए जी ग्रुप से। पांडे जी आप भी पढ़िए। और दोस्तों मेरी एक गुजारिश आपसे है, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 5000 लोग हमारे साथ अभी भी लाइव हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिएगा स्पोर्ट्स चारी को, प्लीज सब्सक्राइब स्पोर्ट्स चारी। धार कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया बार बार रोने पर मजबूर कर रहा है सीरियसली, और हम रुलवा भी लेते हैं अपने आप, हम तो खुद ही रोने बैठे। चिन्ना जी कह रहे हैं नीड टू बाय सम न्यू कैबिनेट्स फॉर दीज ट्रॉफीज, वो अपने फ्लॉन्ट कर रहे हैं। स्टडी बोल रहे हैं युगांडा कब जीता वर्सेस जिम्बाब्वे, यार वो क्वालिफायर्स में जीता था या क्रेजी आर्मी लगी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई, और उस पर लाइक भी कितने लोगों ने किया, शर्म वाली बात है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंटी कह रहे हैं गाबा हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब तक बदला लेगा, क्रिकेट एक्स वाई जेड आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब लक्षित ने मिड इनिंग में बोला था कि इंडिया, तभी पता था हार गए, तभी मैं समझ गया था कि इंडिया का जीतना है। मनुष्यत का देवता अनकॉम्परेबल आदमी, इनकॉम्परेबल अनकॉम्परेबल, मैंने क्या कर दिया तू यार, तूने आज सबसे पहला नाम लिया, अच्छा एंड में कुलकर्णी को मरवाने के लिए एक नाम मैं लूंगा कुलकर्णी, उस पे मुझे भरोसा है, पहला विकेट ही कुलकर्णी, मैंने 3 लिया था, उसके बाद पहला नाम तूने स्पेशली जाके देखे, उसके बाद तूने 3-4 बोला कुलकर्णी कुलकर्णी, सबसे पहले कुलकर्णी गया। इंडिया कहां से यार, प्रियांशु देशद्रोही, इंडिया जीत रहा है, हमारी बैटिंग देखो, बेड़ा गर्क हो गया भाई, दिखाओ यार सुपर चैट दिखाओ। हाँ जी वास्तु भाई, प्रतीक की सुबह चैट है, बिता हमारा प्रतीक कह रहे हैं द थिंग व्हिच आई एम मोस्ट अफ्रेड ऑफ इज अ चोकिंग मेंटालिटी, एज यू सेड चोकिंग इज कंटेजियस, सीनियर टीम हैज सक्सेसफुली पास्ड दैट टू द जूनियर टीम, ये लग रहा है अब तो आ गया जी, बहुत प्यार से पास, थैंक यू प्रतीक रघु की फॉर सेंडिंग सुपर चैट, आगे भी आ जाइए, सारे सुपर चैट एक बार पढ़ लेते हैं फिर रह के करके बात करेंगे। रघु भाई हमारा यूके से, ये
पांच कर दिया दो का साला मैं तो साहब बन गया। वेरी गुड रघु, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, दिल से तेरे लिए खुशी है यार। वहां पे मजे भी करियो, एंजॉय भी करियो, काम भी करियो दिल लगा के। रघु बोल रहे हैं सुश भाई रोहित शर्मा को निकलवा दो बस। उससे अब रोहित शर्मा ने क्या करा वैसे इसमें, इसमें रिंकू जायसवाल जैसे लड़कों में दम है, रोहित शर्मा को निकलवा कर उनको बंदों को परमानेंट कर दो, T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम। भाई अभी T20 वर्ल्ड कप कुछ ना पता कि कप्तान हार्दिक होगा, कप्तान रोहित होगा, विराट होगा नहीं होगा, जायसवाल होगा नहीं होगा, क्या होगा अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। बॉलर्स कौन होंगे अभी तो आईपीएल आने दो, कौन कौन तुम्हारे फिट भी अनफिट हो जाते हैं। अभी बुमराह जी जो दिखा रहे हैं सपोर्ट और ये वो, पहले उनसे ये गुजारिश है भाई फिट रह लेना आईपीएल पूरे वर्ल्ड कप तक, आईपीएल पूरा खेलोगे वर्ल्ड कप तक। आगे आ जाइए, पूछ रहे हैं ऋतुराज कैन प्ले T20 वर्ल्ड कप, मुश्किल लग रहा है। प्लेयर प्रो बोल रहे शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप में होगा या नहीं, बिकॉज वेस्ट इंडीज में पावर हिटर चाहिए और WK कोई कितना भी अच्छा करे खेलेगा तो KL राहुल ही, विकेट कीपर कोई कितना भी अच्छा करे खेलेगा तो KL राहुल ही वर्ल्ड कप में भाई, वो तो हमें सबको पता ही है। शिवम दुबे का देखते हैं भाई अभी क्या होता है, अभी आईपीएल में जवाब मेरे हिसाब से ना, अगर आपका रोहित तो फेवर में है शिवम दुबे के, सीधी बात बताऊं आपको, अभी क्या रिपोर्ट चल रही थी आपको इस बात में क्लियर करता हूं कि हम हार क्यों रहे हैं, बोलो। ये हमारे घर की जागीर बन गई ना क्रिकेट। लोग बोल रहे थे ये विराट कोहली जी नेशनल ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी नहीं, BCCI प्राइवेट बोर्ड है भाई, प्राइवेट नौकरी चल रही है यहाँ पे, सरकारी नौकरी भी नहीं है। तो यहाँ पे बंदे ऐसे करते हैं जैसे मेरी जॉब उसने काट दी, मेरे आगे उसको प्रमोशन। अभी क्या बात चल रही है कि जी ईशान किशन जी नाराज हो गए जितेश शर्मा को खिला दिया इन्होंने, ईशान किशन जी नाराज होके वापिस आ गए कि जितेश शर्मा जी को खिला दिया, ये मतलब ये कोई तुक है वैसे इस बात में। भाई तू प्लेयर है टीम का और टीम दूसरे ऑप्शन ना देखे तो इसीलिए, मतलब इस लॉजिक की वजह से इतने टाइम तक शिवम दुबे वेंकटेश अय्यर बाहर थे कि हार्दिक पांड्या जी नाराज ना हो जाए। क्यों हमने दूसरा ऑलराउंडर नहीं खिलाया वैसे, ये रोहित शर्मा कप्तानी में विराट कोहली कप्तानी में क्यों नहीं खिला रहे ये लोग। तो अब शिवम दुबे को रोहित शर्मा लाए क्यों है और पहले शार्दुल ठाकुर को क्यों खिला रहे थे, उसी की काट के लिए ना, क्योंकि पता है उस पर भरोसा नहीं है हार्दिक पे, हार्दिक को भी दिख रहा है। तो भाई यहां पे लोग एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए, ये नहीं है कि टीम के लिए बेस्ट सिलेक्शन कर लो कि जितेश बैसे जितेश को खिला लो, ऋषभ बैसे ऋषभ को खिला लो, ईशान बैसे नहीं जी मेरा ये भतीजा है, मेरी फुफड़ का लड़का ये, इसको खिलाऊंगा ये, मैं इसे इनसिक्योर नहीं उसके खिलाऊंगा, ये मेरे को इनसिक्योरिटी देता है, मैं शिवम दुबे से इनसिक्योर हूं, मैं हार्दिक पांड्या से इनसिक्योर हूं, बारह कर दो, ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए, यही तो ड्रामा चल रहा है। अगर शिवम दुबे की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना, आप पिछली बार T20 वर्ल्ड कप के अपनी स्क्वाड में दो स्पिन ऑलराउंडर्स को प्रेफरेबली लेके जाते थे, स्पिनर का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा लेके जाते थे, जैसे आप अश्विन को एक्स्ट्रा लेके गए थे, वेस्ट इंडीज यूएसए की स्लो पिचेस के हिसाब से आपको रखना चाहिए शिवम दुबे को, आप हार्दिक को भी रख लो शिवम को भी रख लो, आपके पास ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। इमाम करंट टू इंडियन बोल रहे हैं इमाम कुरेशी बोथ ऑपोजिट, एक जो बोलता होता है एक जो बोलता है उसका उल्टा होता है। इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर इंडियन टीम विद वन आईपीएल टीम, हु विल इट बी, RCB? नहीं इतनी बुरी टीम तो नहीं है इंडियन टीम, नहीं मतलब आरसीबी की तो टीम ही घटिया है, ईशान किशन जैसा बंदा, ईशान किशन जो अभी अभी उगा है, अगर वो इंडियन टीम को एटीट्यूड दिखा के वापस आ जाए कि जितेश शर्मा को खिला दिया, तो फिर तो मतलब देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद द क्रिकेट यार। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईशान किशन है, इतने बड़े प्लेयर भी तो नहीं हुए ना, मैं कह रहा हूँ तुम जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कोई भी किसी को ये राइट है क्या? नहीं है। जो मर्जी सिलेक्टर खिलाए, जो मर्जी को चूज करा जाए, जो मर्जी आए मेरिट पे आए, तुम कौन हो भाई बोलने वाले कि किसी को ना खिलाओ? ये रिपोर्टेडली जो चल रहा है उस पर कॉमेंट कर रहा हूं मैं, पहले भी आपको पता है कि ऐसी चीजें हो चुकी है। ये शिवम दुबे वगैरह को क्यों नहीं खिलाया इन्होंने अभी तक, किसको पसंद नहीं था, क्यों किसके चक्कर में नहीं खिला रहे थे? मैं तो बोल रहा हूँ दूसरा ऑलराउंडर तुम्हें नहीं चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। चलो दुबे का कई लोग कहेंगे भाई फॉर्म नहीं था, नहीं था पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में नहीं है तेज गेंदबाज ऑलराउंडर। विजय शंकर का IPL बहुत सॉलिड गया था। अच्छा उदय सिंह बोल रहे हैं भाई लोग आप तीनों की प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आर यू फ्रॉम सेम प्लेस? नहीं जी ये वहां रहते हैं, क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, ये इधर SHO पुलिस स्टेशन में रहते हैं। वो तिहाड़ में रहते हैं, वो तिहाड़ में रहता है रॉबिन। और महाले जी तो कहीं पे भी, सारी दुनिया सारी दुनिया हमारा आशियाना। आगे आ जाइए उदय सिंह जी, शुक्रिया। एलिगेटर बोल रहे हैं, कोबरा तो बिल में रहते हैं, एलिगेटर बोल रहे हैं US से सुपर चैट भेजने के लिए शुक्रिया। एलिगेटर जी बोल रहे हैं इफ यू वॉच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, लग रहा था बच्चे जान मार रहे हैं,
फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो सो बोरिंग की कोशिश, तभी तो गुस्सा चढ़ता है ना अली भाई, तभी तो गुस्सा चढ़ता है ना भाई। हमारा ओडीआई, मैं अगेन मैं बोलता हूँ, अंडर 19 के बच्चे थे, कोई टेंशन नहीं है यार, हार गए मैच लेकिन ऐसे तो मत हारो। आप ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच देखो, महा बोरिंग मैच बचा था वैसे हमारी बैटिंग के बाद, थोड़े हमने तीन आउट कर लिए उसके बाद मैच बचा था, बैठे हुए थे वैसे कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए, कुछ ना हुआ। डब्ल्यूटीसी फाइनल महा बोरिंग, मार मार के उन्होंने भरता बना दिया। सेम अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल महा बोरिंग, हर चीज तो बोरिंग। तो हमारी टीम मैच में ही नहीं होती है, बिकॉज हमारे डीएनए में एक तरीके से आ गए कि हमने चोक करना ही करना है भाई, करना ही करना है। इनकंसिस्टेंट एंड वेस्ट चोकर्स आगे आ जाओ, कोई च्युइंगम मैन है, कोई चोकिंग राजा बेटा है, कोई हिट मैन है जो फ्लॉपी होते जा रहा है, कोई पांड्या मैन है जो भारी है, कोई बुमराह जी है वो भी पता नहीं कभी आ जाते, जडेजा जी है, क्या टीम है ये वैसे, लगातार तो खेल नहीं पाते ये लोग। राहुल रामवानी जी बोल रहे हैं, पहली सुपरचैट भेजने के लिए शुक्रिया राहुल। Don't you think Indian players' passion for test and one day is dying? खत्म हो चुका है। Latest example, Ishan Kishan and Hardik Pandya, and doesn't matter how good Dubey will perform, Hardik takes his place no matter what. जी नहीं, हार्दिक पांड्या तो चलो शिवम, अगर वो फिट है और परफॉर्म कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या एनी डे वो अकिन तो करेंगे। जहां तक बात रही शिवम दुबे की, तो आप ये नहीं देखो कि हार्दिक पांड्या टीम में है या नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप लेकर जा सकते हो जिसकी फॉर्म लगी हुई है, तो शिवम दुबे वो नाम हो सकता है, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। और जहां तक पहला सवाल है कि टेस्ट और वनडे इज डाइंग, वो तो साफ नजर आता है। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कह देते हैं आप लोग की प्रायोरिटी है जी, पिनेकल ऑफ पिनेकल फॉर्मेट है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दिखता नहीं है कमिटमेंट में। अभी ईशान किशन को कहा गया रिपोर्टेडली, यही रिपोर्टेडली क्या, राहुल द्रविड़ ने बोल दिया था कि वी हैव टोल्ड ईशान किशन कि उसको कुछ क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर अपने आप को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले, उसके बाद सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसने वो नहीं किया, रणजी नहीं गया वो खेलने, वो प्रैक्टिस कर रहा है अभी अपना आईपीएल की तैयारी कर रहा है। तो साफ पता लग रहा है कि प्रायोरिटी इस समय पर शायद आपके लिए टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट, तो खैर दिन पर दिन खत्म ही हो रहा है। इसी साल आपने कितने खेलने, दो ओडीआई मैचेस। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट को आपको ठीक करना है तो आप 40 ओवर का फॉर्मेट कर दो। पहले 50 ओवर होता था, अब इसको ठीक करने के लिए आप 20-20 ओवर में उसको कन्वर्ट कर दो कि 40 ओवर का गेम कर दो। तो ये तो हाल है आज के समय में, क्या ही होगा। आगे आ जाइए जी, और भी दिखा दीजिए, नॉर्मल चैट भी आप ले लीजिए दोस्त हमारे। और भी बोल रहा हूं भाई, ऑलमोस्ट 5000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैरी को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। स्टडी भाई ये बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने एज फ्रॉड किया अंडर 19 में। अच्छा एज फ्रॉड, अच्छा चेक करोगे तो मौतों का निकलेगा, मौतों का निकलेगा फिर। ये तो बात करनी नहीं चाहिए सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी श्रीलंकन, हमें तो एज की बात ही नहीं करनी। अच्छा मयंक शर्मा पूछ रहे हैं, नेम 5 प्लेयर्स सुशांत भाई हु कैन विन अस द नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी अदर देन विराट कोहली। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, मैं बैटर की बात कर रहे हैं, विराट कोहली भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर, 5 प्लेयर, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, बॉलर भी हो सकता है, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई, मैं दो बॉलर दो बैटर लिए हैं अभी, और पांचवा मैं लेता हूं, एक और नाम लेना है तो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अगर वो फिट होके पूरा आता है तो, अगर वो पूरा वर्ल्ड कप खेलता है जिता सकता है, ये मेरे 5 होंगे। कुछ लोग कह रहे रिंकू सिंह फॉर टेस्ट आ सकता है भाई। भाई यार जयेश पटेल बोल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इंडियन टीम्स, व्हाई आर वी नॉट एबल टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मेंस विमेंस अंडर 19 टीम ऑल ऑफ देम लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिंग ऑस्ट्रेलियन कोचेस हु विल नॉट गो सॉफ्ट ऑन देम, बीसीसीआई मस्ट डू समथिंग अबाउट दिस, हेट टू सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स। भाई आपको वो बच्चे की तरह मार रहे हैं, वैसे बच्चे की तरह मार रहे हैं, दो दो के मार रहे हैं जी, कोई मर्सी नहीं, जिसको बोलते हैं ना नो मर्सी, और उनके सभी वन साइडेड, वन साइडेड, आप मैच में भी नहीं होते, आपको वो डरा डरा के मार रहे हैं, वो डरा डरा के मैक्सवेल, उनके उनको देख के बन रहे हैं कमिंस को, हमारे केएल राहुल को देख के बन रहे हैं फिटे मुंह तुम्हारे, पर आपने एक जन्म की लानत केएल राहुल की बैटिंग पे। काफी लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत भी हो, ऋषभ पंत भी हो तो आएंगे तो देखेंगे ना यार, अभी मैं क्यों मेरे बहुत सबको पता है भाई मेरे फेवरेट प्लेयर है ऋषभ पंत, प्रतीक जहाँ इंडिया का इंडिया की बात है, और ऋषभ पंत से खुद भी पूछोगे वही बोलेंगे भाई मैं पहले अपनी प्लेस डिजर्व तो करूं, अर्न तो करूं, ही इज अ वेरी बिग प्लेयर यार, उनके लिए ऐसा बोल देना नहीं ऋषभ आएंगे सीधा टीम में आ जाएंगे, डोंट एम्बैरस हिम लाइक दैट, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ फर्स्ट,
कोई भी वॉक इन नहीं करता भाई, सबको अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है और वो आदमी करेगा अर्न, मेरे को पूरा भरोसा है। प्रतीक कह रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ द माइंडसेट इज लाइक चोकिंग देन व्हाट्स द पॉइंट, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फॉलोइंग दिस टीम सुशांत, दे आर एंबैरसिंग आवर नेशन कंटिन्यूअसली। नहीं कोई बात नहीं, देखो अंडर 19 पे तो आप ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन सीनियर्स को मैं बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल उस पर सूट करती है सीनियर पे ये बात कि दे आर एंबैरसिंग द नेशन कंटिन्यूअसली, बिकॉज उनका एटीट्यूड ही खराब है, एटीट्यूड ही अपने आप को बड़े हीरो समझ रहे हैं। सो वो बहुत ज्यादा गलत बात है, बिकॉज आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप पे एहसान है भाई, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आपको जिताना है। आप कभी हार्दिक और रोहित, कभी रोहित और विराट, कभी वो बुमराह जी को गुस्सा हुए हैं, कभी पांड्या जी कुछ बोल रहे हैं, कभी जडेजा जी का ड्रामा शुरू हो गया, मतलब आप ड्रामेबाजी, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का एपिसोड चल रहा है यहाँ पे, नौटंकियां ही करते रहते हो ड्रामेबाजियां। जब देखो अपने आप को विक्टिम दिखाते हो, विक्टिम कार्ड खेलते हो आप लोग, जिताते कुछ हो नहीं, पब्लिक ही महा बेवकूफ है एक्चुअली। आगे आ जी, भी व्यास पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ऋषभ पंत अभी कीपिंग नहीं कर सकते हैं शायद। हाँ रिकी पॉन्टिंग ने बात कही है उससे एक इंटरव्यू में, ESPN से बात करते हुए कि बैटिंग तो IPL की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, शायद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर थोड़ी बहुत बैटिंग कर लें, लेकिन विकेट कीपिंग के चांसेस अभी थोड़े से ज्यादा स्किम लग रहे हैं। औसम कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक मोहम्मद आमिर कम बैक इन T20 वर्ल्ड कप, जरूरत नहीं है भाई। शाहिन अफरीदी ने हालांकि एक स्टेटमेंट तो दिया है कि मैं बात करूंगा, शाहिन की कप्तानी अभी खतरे में दोबारा लग रही है, उन्होंने दिया है वैसे कि अगर मैं कप्तान रहा तो मैं बात करूंगा। बन रहा है क्या वापस से? कह रहे कि जो के नए चेयरमैन आए हैं उनको रिपोर्टेडली पसंद नहीं है, बट अब ये भी नहीं पता कल अगर नए प्रधानमंत्री आएंगे वो नए चेयरमैन को भी दोबारा हटा दें। भाई वो सर्कस चल रहा है इस पूरे पाकिस्तान में, जो कॉमेडी सर्कस है। हमजा पूछ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती इंडिया में, क्या नहीं थी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना, क्योंकि सारे के सारे खलीफे हैं, अकाउंटेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे बनाते हो आप ब्रांड पैसा कमाने के लिए, मैच जीतने के लिए नहीं। आप रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकते, ब्रांड बना हुआ है जी। आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप नहीं कर सकते, ब्रांड बने हुए जी। आप विराट कोहली को तो वैसे ही, चलो विराट कोहली तो परफॉर्मेंस आई हुई, आपने जो जो ब्रांड बना दिया, लड़के जो आपस में खेलने में कंफर्टेबल हैं वही खेलते रहते हैं। नया बच्चा कोई आए तो वो उसको दिखता है भाई ये मेरा पैसा खा जाएगा, मेरी मार्केटिंग खा जाएगा, इसको एड्स मिल जाएंगी, शुभमन गिल को 4-5 एड मिल गई, करियर तबाह होने पर आ गया। सही बात है। अभी रिंकू को जायसवाल को एड वैड मिलने लग जाए, उनसे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सारा पैसा तो माल का ही है ना भाई, पैसा इतना है आपके पास, बाकी खेल रहे फन के लिए। आप यू नो यू हैव टेकन आउट द फन फ्रॉम क्रिकेट। हम क्रिकेट क्यों देखते हैं, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, गेम में मजा आता है देखने में, उतार चढ़ाव लाइफ की तरह होते हैं, क्रिकेट मैच में भी मजा आता है ना, फाइट हो रही है। बट आप इतना डर जाते हो आप खेलना ही बंद कर देते हो फाइनल में जाकर, वो प्रॉब्लम है। वो इंटेंसिटी से कभी परफॉर्म ही नहीं कर रहे, पैशन ही नहीं है भाई। पैशन तो है, आप जिस वजह से आप बल्ला उठाते हो ना, वो वजह होती है कि आपको एक पैशन है, एक प्यार है क्रिकेट से, एक मजा आता है क्रिकेट खेलने में, रोज आप वो फोकस करके कमिटमेंट कर सकते हो, इवन एज अ करियर भी अगर आप उठाओ वो फोकस होना चाहिए, एंजॉय करते हो यार आप। लेकिन आज की डेट में सिर्फ पैसे में फोकस है तो कहां से जीतोगे भाई, सिर्फ और सिर्फ पैसे में फोकस रह गया आपका। सुमन मानू कह रहे हैं सैंड पेपर गेट स्कैंडल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया रिवाइव कर गया। सही बात भाई, एक टाइम पे 25 ODI में 3-4 विन थी ऑसिस की, जस्ट बिफोर 2019 वर्ल्ड कप इंडिया सीरीज में 3-2 से जीते, वहां से रिवाइव हुआ। सही बात है मेरे भाई, ये लोग इनका भी बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया था 1780s के राउंड में, जब जॉर्ज बेली की कप्तानी शुरुआत के सुपर चार्ज छूट गए, दिखा देना यार। सैंड पेपर गेट के बाद ना काफी मैचेस इन्होंने हारे, जब स्मिथ वार्नर नहीं थे एक दो साल में, इंडिया ने भी जीत लिया तो बहुत मैचेस हार रहे थे, तो 2019 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में हार गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी रिवाइवल हुई ऑस्ट्रेलिया की। अननोन पर्सन बोल रहे हैं सुशांत भाई हार्श है थोड़ा, बट आने वाला T20 वर्ल्ड कप में भी यही कुछ होगा। हाँ होने वाला, ये रोहित शर्मा को फिर से लेकर आएंगे, विराट कोहली तो किसका है, विराट कोहली बाहर होगा क्योंकि कोई एक खेल सकता है T20 वर्ल्ड कप में, कुछ देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो पता नहीं है, अभी तो पता नहीं है कि कौन क्या कैसे कब कहां, लेकिन होपफुली सही 11 खेल ले और जीत जाए। बोल रहे हैं ट्रू डेट, बट आवर जूनियर टीम इज रॉकस्टार, वी नीड अकाउंटेबिलिटी इन आवर सीनियर टीम। अभी भी अगर आप T20 वर्ल्ड कप में सही 11 खिला रहे हो ना, आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे, लेकिन क्या आप सही 11 खिलाने की हिम्मत रखोगे, आप फेवरेटिज्म से ऊपर उठोगे, सबसे बड़ी बात वही तो प्रॉब्लम है ना। दीपक सिंह बोल रहे हैं भाई मैक्सी स्कोर्ड 100 इन टफ सिचुएशन, बट कहीं कुछ नॉइज नहीं हुई। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान को मारा तो दुनिया भर में हल्ला मचा दिया। बात तो सही है यार, रोहित शर्मा का 100 आ गया था तो हर तरफ बात होने लगी, हिटमैन इज बैक एंड ऑल, बट मैक्सवेल ने जो आज 100 लगाया टफ सिचुएशन में, उसमें फंसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया,
बात तो नहीं होती, और यही वजह है ना कि वहां पर प्लेयर सेंट्रिक है ही नहीं, वो उस तरीके से नोटिस नहीं करते, उनके लिए प्लेयर बड़ा नहीं होता, उनके लिए टीम बड़ी होती है। अल्टीमेटली मैक्सवेल ने 100 लगाया, टीम जीत गई, तो वो रिजल्ट देखते हैं, वो प्लेयर किस तरीके से क्या कर रहा है। आप तो बस एक प्लेयर के लिए ऑब्सेस्ड रहते हो यहाँ पे। जी दीपक सिंह जी बिल्कुल आगे आ जाइए जी। रोहन साकारे कह रहे हैं लक्षित पंत टेस्ट में अच्छा है, रेड बॉल में वर्स्ट, वाइट बॉल में वर्स्ट रिकॉर्ड है उसका, क्या किया 2019-21-22 के फाइनल में, ज्यादा चांसेस मिले। एक तो पहले भी 22 के फाइनल में खासकर मैं कहूंगा जब चांस मिला तो उतनी कुछ खास बॉलिंग बचे ही नहीं थी, और थोड़ा चांस दो। हाँ T20 में खराब की है, बट वनडे में ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर यू। सलमान वाहिद जी हेलो, आपको भी, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, शुक्रिया। सुश भाई, सुश बार बार बोल रहे हैं कि सही 11 खिलाओ जीत जाएंगे, तो क्या होनी चाहिए सही 11? आयुष IPL में बता पाऊंगा भाई अभी कुछ, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं पता हार्दिक कैसा खेलेगा, उसकी फिटनेस क्या है। हार्दिक फिट है 100% तो 100% हार्दिक ही खेलना चाहिए, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं है। रोहित शर्मा का मुझे फॉर्म नहीं पता है, विराट कोहली का मुझे देखना है कि जो वापस आएंगे, बिकॉज देखिए पांच टेस्ट मैच वो छोड़ चुके हैं, वापस आएंगे T20 कैसा खेलेंगे, IPL में कैसा खेलेंगे। बाकी ओपनर्स आपके जयसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, साथ में आपके रिंकू तो पक्का है मेरे लिए, साथ में बॉलर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, हर्षदीप सिंह, बुमराह वगैरह, बुमराह की फिटनेस क्या होगी, बिश्नोई कैसा करेंगे, बाकी लोग भी कैसा करेंगे, तो इतना आसान नहीं है बोलना यार। और IPL के बेस पे खिला लोगे ना अगर बेस्ट 11 जीत जाओगे, बिल्कुल। और रवि बिश्नोई की जगह ना उसका IPL बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। नहीं रवि बिश्नोई जगह तो कंफर्म है, कंफर्म ही है पर प्लेइंग 11 की बात, कुलदीप और बिश्नोई में बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और अगर बीच में यूजी चहल पर्पल कैप इस बार फिर जीत के फिर क्या करोगे, मयंक शर्मा पूछ रहे हैं वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल थ्री, व्हाट डू यू थिंक इंडिया, कैन इंडिया विन 2024 T20? नो, मुश्किल है, मतलब टीम सिलेक्ट करोगे तब देखेंगे। थॉमसन जॉनसन बोल रहे हैं डोंट नो व्हाई पीपल क्रिटिसाइज रोहित एंड विराट, दे आर बोथ ओनली होप फॉर इंडिया, केएल राहुल आने दो, इंडिया जिम्बाब्वे बन जाएगा। बताए नहीं अगर केएल राहुल कप्तान बन जाए तो क्या इंडिया जिम्बाब्वे बन जाएगा, मोहम्मद बोल रहे सुशांत भाई प्लीज कम विजिट पाकिस्तान, भाई आप लोग तो बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। अब्दुल रहमान बोल रहे हैं पड़ोसियों संडे कैसा रहा, वैसे जैसे पिछला वाला रहा था, आज मैं सुपर उठा इतनी। बेन स्टोक्स कह रहे हैं सुपर चैट ले लो पहले की, भाई शुरू में जो आई थी ना रॉबिन, अगर शुरू में ना एक दो छूट गई थी मेरे ख्याल, दिखा दे देख लो एक बार इसको भी, मैं क्या कह रहा था आपको दिखा दी थी, ओके। इतना कपिल वाघमारे जी आए उनकी सुपर चैट दिखा दो, इतना सुबह में इतने पॉजिटिव माइंडसेट था, मैं मतलब आज तो जीतना ही है, आज जीतना ही है, तूने जब जब बोला तब तब बर्बाद था। आज मैं जिम में एक ट्रेनर को कहा, मैंने कहा मैच देखना इंडिया जीतेगी और कुलकर्णी मारेगा, कुलकर्णी मारेगा उसको, मैं बोल के आप पता नहीं इसको कल की शक्ल से मुंह दिखाऊंगा मैं अपना, वाह वो कहेगा वो भी समझेगा कुलकर्णी सबसे पहले गया था मैंने, तूने जब कुलकर्णी बोला ना मेरे को मन में वही हो गया था ये तो बर्बाद हो गया भाई, ये खत्म है, कुछ हो ना हो इस मैच में कुलकर्णी खत्म है, ये पक्का है जी। आगे आ जाइए, कपिल वाघमारे कह रहे हैं दोनों ऑस्ट्रेलिया के, देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो देखो ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट, और हमारे इंस्टा स्टार शुभमन और अय्यर स्लिप में खड़े होके हंसते रहते हैं और IPL के सपाट हाईवे पे रन्स मारते हैं, एक फिर मारेंगे इस बार IPL में, टेंशन ना ले भाई। देखो पॉजिटिव माइंडसेट से क्रिकेट खेलने वाली ही टीमें जीतती हैं, नेगेटिव माइंडसेट या डिफेंसिव माइंडसेट वाली ज्यादातर नहीं जीते हैं। कपिल जी आगे आ जाइए, थैंक यू कपिल। प्लेयर्स प्रो की सुपरचैट दिखा दो, उन्होंने स्क्वाड भेजी है शायद अपनी, प्लेइंग 11 भेजी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, उनकी प्लेइंग 11 भी थोड़ी सी पांडे जी जैसे चाहते हैं, एक बार सुपरचैट दिखा दीजिए, वही उन्हीं की है, वही सुपरचैट है। कपिल वाघमारे जी शुक्रिया सुपरचैट भेजने के लिए, प्लेयर आगे भी देख लेते की सुपरचैट, प्लेयर प्रो की पांचवी सुपरचैट, थैंक यू सो मच ब्रदर। वो बोल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या कप्तान आई एम गेसिंग, रिंकू सिंह छेपे, जितेश साथ पे या फिर केएल राहुल, जड्डू, अक्षर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप और बुमराह। बॉलिंग ऑप्शन एक, एक दो तीन चार पांच छह दुबे कोई बॉलिंग ऑप्शन है, ऋतुराज T20 वर्ल्ड कप 6th बॉलिंग ऑप्शन 8 बैटर्स, ऋतुराज
और ये विदाउट रोहित कोहली है, विदाउट रोहित कोहली। हाँ ठीक है, अगर आपने अगर पूरी एंटी भेजी है, आयुष शर्मा कह रहे हैं गेस हाउ मेनी सेंचुरीज विराट एंड विद दिस करियर 110 अगर सब खेलेगा। हाँ अगर लगातार खेले, अगर लगातार खेलेगा बन सकता है। अगर एक दो फॉर्मेट छोड़ दिए तो फिर तो अलग बात है, पर 110 तक जाना चाहिए, 100 प्लस हो जाना चाहिए। अभी 80 पे तो अभी है क्रिकेट एक्स वाई, 80 पे अभी है, लगा लो आप 4 साल तो और खेल सकता कोहली इजिली, इजिली 4 साल और। एक साल में कितनी सेंचुरी आ जाएगी? 5 तो आएगी, 5 से ज्यादा ही आएगी, तीनों फॉर्मेट अगर मिला, मिनिमम बोल रहा हूँ। एक साल में 5 सेंचुरी आएगी, 4 साल में 20 सेंचुरी तो आएगी भाई, 4 साल में 20 सेंचुरी तो आएगी, 100 तो यही हो गया, 80 पे है ना अभी कोहली, 80 सेंचुरी है अभी उसकी, हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कम से कम 4 साल में 30 सेंचुरी तो आनी चाहिए, तो 110 तक पहुंच जाएगा, 110 सेंचुरी मेरे हिसाब से। क्रिकेट एक्सवाईजी कह रहे हैं पांडे जी विराट हेटर, प्रियांशु रोहित हेटर, लक्षित इंडिया हेटर, कोबरा प्रियांशु हेटर, सुशांत वर्ल्ड हेटर। मैं वर्ल्ड हेटर हूँ, सही बात। अमन अग्रवाल जी आपको, अमन जी, अमन जी थैंक यू, एलिगेटर जी की भी आई है, ये कह रहे हैं हेलो पांडे जी, लव योर वॉइस एंड द वे यू एक्सप्लेन लिटिल थिंग्स, बट प्रियांशु इज गुड इन प्रेडिक्शन। भाई वो तो उसकी प्रेडिक्शन वैसे है, उसकी आरसीबी ठीक ना जैसे ऑन स्पॉट है, मैं तो आरसीबी कभी से घबरा रहा हूं यार, उसने दो बारी ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्शन नहीं है, सबसे बड़ी वो है, उसकी चाहत है, सबसे बड़ी वो है, सबसे बड़ी हालांकि उसकी दिल की चाहत है कि आरसीबी, प्रेडिक्शन नहीं है, आज पूछा मैंने, वो चाहत है, आज जब हम वॉच आरसीबी वाला, आरसीबी वाला तो बोलेगा ना आरसीबी जीतेगी, मैंने उसे ये बोला, नहीं नहीं कहता, उसके एलिगेटर बोल रहे जून 9th की तैयारी करो भाइयों, हम पहुंच, हम भी पहुंच पहुंच गए वहां पे यूएस। देवो प्रिय पक्षी बेटा, ये मैच हार गए ना, इस बल्ले से मारूंगा तुम्हें, याद रखना, आप जीत रहे हो, ये वाला तो जीतना है यार, जीत रहे हो अली भाई, ये वाला मैच हमें जीतना, तो बाकी आप जीतते रहो, जिम्बाब्वे कीनिया जो आपको जीतना जीत जाओ, हमें कोई फर्क नहीं, ये वाला हमें जीतना जी भाई, यही सब, यही तो खुशियां रह गई है, पाकिस्तान को खेल के खुश हो बस, बाकी तो कुछ जीत, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अली भाई थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम यूएस, आ गया जी, और भी कमेंट्स ले लीजिए यार, पांडे जी ढीले ढीले लग रहे हैं आप, हैं अपनी तारीफें पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़िए, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ऐसी भी बात है। पड़ोसी संडे कैसा बोल रहे हैं, मैक्सवेल को नहीं, अच्छा मैक्सवेल को नहीं पढ़ रहे, तुम रिवर्स में 66 मार रहा था, वो क्या बोल रहे थे आप, रिवर्स में समझा नहीं, वैसे रिवर्स में छक्के मार रहा था, रिवर्स में छक्के लगा, खतरनाक तो है वो, दो छक्के। व्हाट डू यू थिंक रिंकू सिंह फॉर टेस्ट मैचेस, अभी थोड़ा अर्ली पहले टी20 में, वहाँ बोल रहे तुम लोग आईसीसी को अपनी जेब में रखो, ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफीज अपनी जेब में डाल रहे, वो तो कर ही रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो दे प्ले फॉर विनिंग वर्ल्ड कप भाई। देखो घमंड तो टूटता ही टूटता है, जिसने घमंड किया, जो अकड़ा, अकड़ती सिर्फ लाश है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप जब इतना घमंड करोगे, माले जी आपको घमंड नहीं बोल रहे, आदमी पाखंडी खुद है ये, देखिए आप माले जी जो एक इशारे पे समोसों की वर्षा कर दी उन्होंने यहाँ पे, घटिया आदमी, देखिए आप कितना घटिया निकला ये, हमारे इसके सर पे कुर्सी मार दे, ओह बड़ा बल्ला आ गया, वाह वेरी गुड माले, माले जी यहाँ पे आके दिखाए ना बल्ले से, आप आ जाए, आप आ जाए जी। दयानेश बोल रहे भाई मुझे तो रोना आ रहा है, मैंने क्रिकेट को बहुत, मैं क्रिकेट को बहुत चाहता हूँ बट इतना दर्द नहीं सह सकता यार, मेरे को तो आप आयोडेक्स लगाएं, इतना दर्द ना सहे, आयोडेक्स लगाएं आप, एक्सपेक्ट इतना इतना, अब मैं तो सीरियसली इसीलिए, मैं तो इसीलिए मेरे उम्मीद ही नहीं है, और इस समय जो भी हमें लोग देखे खुश होंगे कि लक्षित कह रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी, क्योंकि मेरे कहने को तो उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है, तो मैं ना ही उम्मीद करूं, हां सही है, मुश्किल है यार टी20 में, वैसे भी अगर फाइनल में हमारे सामने इंग्लैंड आया तो जीते हैं, नहीं फाइनल में अगर इंग्लैंड आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा, भाई। क्या इंडिया नेक्स्ट टेस्ट मैच जीतेगा, पूछ रहे आयुष शर्मा, बताइए जी। हाँ, इंडिया जीतेगा नेक्स्ट टेस्ट मैच, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, बैटिंग उतनी, केएल राहुल और वो खेलेंगे, बैटिंग उतनी स्ट्रांग लग नहीं रही मुझे, पीएसएल क्या पूछ रहे हैं, पीएसएल कवर करोगे भाई, निंजा जी बता तो चुके हैं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, मजा आएगा पीएसएल में, तो असली मजाक होगा, एंजॉय करेंगे पीएसएल, अगर आज हमने प्रैक्टिस वैसे स्टार्ट कर दी है पेशावर जालमी के लिए, खेले खेले हां शुरू कर दिया उन्होंने, संकेत जी की सुपर चैट आई है वो भी दिखा दीजिएगा, अर्शद कह रहे पड़ोसियों संडे कैसा रहा, पता नहीं ये डायलॉग इरफान ने कितना फेमस कर दिया है, जब भी हारते हैं पाकिस्तानी हम मुझसे पूछने लग जाते हैं पड़ोसियों संडे कैसा रहा, सुशांत भाई संडे कैसा रहा, अबे हमारा तो ठीक ही रहा, तुम्हारा कैसा जा रहा है, तुम्हारे इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, पहले ये बताओ तुम्हारा संडे कैसे जा रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए कि नहीं, पाकिस्तानियों मेरे को सारे पाकिस्तानियों से पहले पूछना इलेक्शन जीता कौन है, वो मेरे को खुद समझ नहीं आ रही, आधे लोग वहां पे क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान जीत गए, भाई मैं सीरियस हूँ, जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं ना मुझे इस टाइम पे बताओ कि इलेक्शन कौन जीता है पाकिस्तान में, क्या नवाज शरीफ जीता है या फिर धांधली हुई है और इमरान खान जीता है, आप तो ऑन ग्राउंड हो, नहीं भी हो अली भाई आप यूएस से, आपको तो पता होगा, बताओ मुझे इलेक्शन कौन जीता है पाकिस्तान में, प्लीज टेल मी,
आई वॉन्ट टू नो संडे कैसा रहा तो छोड़ दो, पहले बताओ तुम्हारे देश में जीता प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? संकेत, हाँ उमेर से पूछो, संकेत खांडेकर बोल रहे हैं एवरी टाइम इंडिया अंडर 19 टीम लॉस्ट दे प्रोड्यूस हीरो इन उन्मक चंद, इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम ट्रैविस हेड सेम जयसवाल बिश्नोई थे. बढ़िया है, पिछले साल भी तो हम ही जीते थे, पिछले बार तो इंग्लैंड से आपने खेला था ना. ठीक है संकेत जी, चैतन्य जो है वो हमें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं वैसे कि श्रेयस अननोन पर्सन बोल रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन कोहली ने जीता है, विराट कोहली. चैतन्य बोल रहे हैं श्रेयस का 100 है सेमीफाइनल में, कुछ मत बोलो. हाँ वानखेड़े में, वानखेड़े में विराट का भी था. आमिर फाइनल में क्या हुआ था? नवाज शरीफ नहीं बोले हैं कौन जीता है. नवाज तैयब गेमिंग बोल रहे हैं आर्मी जीती है, कुछ लोग बोल रहे हैं नवाज शरीफ, कुछ लोग बोल रहे हैं इमरान खान, इमरान खान भी बोल रहे हैं यार. पीडीएम जीता सुशांत भाई, पता नहीं समझ नहीं आ रही मुझे तो कौन जीता है. ज्ञानेश बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स चैरी इज द बेस्ट शो फॉर क्रिकेट इन इंडिया. भाई इन द वर्ल्ड प्लीज, बट थैंक यू सो मच. क्या आपने उन्होंने बोला बेस्ट शो फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट शो फॉर क्रिकेट इन द वर्ल्ड. डेंजर क्यूबर बोल रहे हैं ब्रो वर्ल्ड कप की जगह ऑस्ट्रेलिया कप होना चाहिए. अलग तो यही रहा बीते दो तीन सालों में, सारी ट्रॉफी जीत नहीं सकता इंडिया भाई. कुछ पीटीआई बोल रहे हैं, पीटीआई बोल पीटीआई पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, वो उसके इमरान खान की पार्टी. हार्दिक जीता इलेक्शन बोल रहे हैं अक्षत, मुबारक हो भाई बढ़िया. इट्स ओके टू बी यूनिक. कोई बता नहीं पा रहा, देख लो कोई नहीं बता पा रहा, कोई भी नहीं बता पा रहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन. दोबारा से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हो कौन बने, दोबारा मैं क्या चाहता हूँ कौन बने भाई. देखो बने कोई भी, मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान को जेल से निकाल दो आप. ये गलत बात, ये बहुत चीटिंग है, बहुत गलत बात है, ये छिछोरी हरकतें हैं, जुल्म है ये, सीधी बात यही. वो बाहर आने दो, पब्लिक को डिसाइड करने दो भाई कौन जीता, पब्लिक को वोट डालने दो, वो जिस मर्जी को चूज करे. तुम क्यों वहां पे फन्ने खा बन के तुमने उनके पब्लिक की गले घोटा हुआ है, ये तो गलत बात है ना. पब्लिक जिसको मर्जी चूज करे वो बने. सिंगुलैरिटी जो आई थी उनकी सुपर चैट दिखा दीजिएगा. सिंगुलैरिटी रफाने आएंगे हमें, हमारी तो टीम हारी, इनकी टीम का कुछ हुआ नहीं, इनकी टीम तो है नहीं, ये क्या छोड़े होंगे. मैंने पढ़ी नहीं, मेरे हिसाब से यही बोल रहे होंगे कि आप मतलब दिखाए जिस सिंगुलैरिटी हो और 19 को फिर हारोगे. सिंगुलैरिटी की दिखा दी सुपर चैट. बालादेव बोल रहे हैं लक्षित भाई जस्ट लव योर प्रेडिक्शंस. सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं इंडियन कोचेस आर जिंक्सिंग आईसीसी ट्रॉफी द डे इंडिया गोज बैक टू अ फॉरेन कोच वी विल विन अ ट्रॉफी. इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट्स अ जिंक्स फैक्टर. ये क्या जिंक्स? इट्स दैट यू कैन नॉट परफॉर्म अंडर प्रेशर, दैट्स इट एज सिंपल. ये कोई फैक्ट नहीं है. कोच आपने कोच को थोड़ी खेलना होता है, हालांकि चलो एक माइंडसेट कोच की मेंटालिटी तो एक माइंडसेट की बात जरूर आती है, थोड़ा सा एक फैक्टर इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर ने परफॉर्म करना है इस लेवल पर. इस लेवल पर कोचर कोचिंग कहां है आपके पास? कृपाल चौहान कह रहे हैं लक्षित भाई मिशन सक्सेसफुल हराने का इंडिया. ना ना ना, जो इन्होंने मुझे बताया था हमारी पर्सनल बात है इंस्टा पे, अगर वो चीज आपने कर दी है बहुत बड़ी बात की आपने. दिखाए मुझे करते हैं लाइव के बाद बात करते हैं. अच्छा चलिए ठीक, ऑफ द ट्रैक बात है करते हैं उसके बाद. इट्स अ जिंक्स फैक्टर, आप मानते हैं जिंक्स फैक्टर है? मैं नहीं मानता, ये जिंक्स वगैरह नहीं है. आपने कहीं ना कहीं नहीं किया अंडर प्रेशर डिलीवर. जिंक्स फैक्टर कोच इस लेवल पे कोचिंग बस यही है कि आपको वो समझा सकता है, आपको ये थोड़ी कोई टेक्निक वेक्निक. निजामुद्दीन कह रहे हैं रिकिन स्मिथ नहीं आया आज, उसी की कमी है बस. रिकिन आके टिकिन टिकिन करें, दोनों ही नहीं है. जिगली विगली कह रहे हैं मेरे चैनल को शॉर्ट आउट दे दो. भाई दे दिया, जिगली विगली, जिगली विगली चैनल बना लिया अपना. क्या कह रहा था मैं आपको? तैमूर मोहम्मद खान बोल रहे हैं आई लव यू लक्षित. Thanks. जाए उनके साथ पार्कों में घूमे, रोहित शर्मा डांटेंगे. लक्षित जीता है इलेक्शन, अर्शद बोल रहे हैं इमरान खान किंग 90% वोट्स. कुछ भी तैमूर बोल रहे हैं इमरान जेल से आउट हो गए. इमरान आउट हो गए? नहीं मुझे तो नहीं लगता, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. विष्णु बोल रहे हैं पांडे जी बिहार से हो क्या? हाँ जी बिहार से ही हूँ. गया बिहार से? गया बिहार. मुझे लगा छपड़ा. नहीं छपरा नहीं, छपरा ही ले आ रहा ही क्या? कहाँ छपरा ही? पहला क्या होता है बताए ना. छपरा ही ले क्या होता है? अच्छा बताओ क्या होता है? आ रहा ही ले बलिया ही ले उसके बाद जीला ही लेला, जीला ही लेला तोहरा लचके जब कमरिया सारा जीला ही लेला. यार छपरा भी तो होता है. काशी ही ले पटना ही ले. हाँ. यार तुमको याद नहीं है? काशी ही ले पटना ही ले बलिया ही लेला. बलिया होता है बलिया ही लेला तोहरी. चलो माले जी तोहरा निकालो, माले जी पंजाब चलो, आप पंजाब चलो गाड़ी निकालो. तोहरा केएल राहुल जब आवे तो सारा इंडिया ही लेला हो तोहरा. नहीं इस पे नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा.
अरे पटना ही ले छपरा ही ले छपरी ही ले लावे तोरा बंद करो लाइ खेले जब खेल गए दोनों भी कुछ नहीं खेले जब राहुलवा दिमाग में चढ़ गया दोनों के गाइस खेले जब राहुलवा पूरा इंडिया ही ले ला ये गाना बनाऊंगा मैं केएल राहुल को डेडिकेट करता हूं स्टैंड अप कब आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ही ले जिम्बाब्वे ही ले युगांडा ही ले ला रे तोहरा आए जब बात तो सही है पूरा तो इंडिया ही ले ला हाँ जी आगे ही पढ़ लीजिए सब ठीक हो जाएगा जीतेंगे हम कभी ना कभी देखते कब जीतेंगे मैं भी वेट कर रहा हूँ बाबर आजम न्यू पीएम बोल रहे तैयब गेमिंग बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया कैप्टन तक तो रहा नहीं बेचारा वो 2045 के पीएम अभी बैठा हुआ वो कोई गल नहीं मैं फिर भी शुरली आदित्य प्रजापति कह रहे हैं कि हेलो भैया हम भी बिहार बेगूसराय से हैं अच्छा जी बेगूसराय आप लोग बताओ भाई आप लोग इंडिया में कहां कहां से हो वो जानते हैं आज बताएं मतलब देखें पागल ही हो चुके लोग यहां पे कौन कौन से देश के कोने कोने से कहां कहां राजा बेटा ही ले ला तोहरा आपको आए जब छपड़ी बात आपको मैं वो गाना फॉरवर्ड करूंगा एक बार पूरी लिरिक्स मैं पूरा रट लूंगा फिर अब लिरिक्स के बाद इजाद कीजिए लिरिक्स मैंने याद दिलाई है आपको काशी हिले पटना काशी हिले वो भूल गया लेकिन बलिया वाला सही था बलिया कोई सही नहीं था काशी हिले पटना हिले राजा बेटा हिलेला आपको लिरिक्स देते हैं म्यूजिक बाय महाले जी म्यूजिक बाय महाले जी क्या ये महाले ये क्या म्यूजिक है ये कोई म्यूजिक थोड़ी ना हुआ सुपर चैट दिखा दीजिएगा आजमगढ़ से हैं जयपुर से वाइजैक से मेवात यूपी दिल्ली पटना उत्तराखंड नेपाल फैसलाबाद एमपी नेपाल मुंबई लाहौर फरीदाबाद विश्वास नेपाल से हैं बारामती काफी अलग अलग कोनों से उत्तराखंड गुजरात से भी हैं जयदीप गोस्वामी वाह ऑस्ट्रेलिया से हसन रजा रांची झारखंड बढ़िया ठीक है कृष्ण तिवारी जी मैं बनौती हूँ केतन गोरे बोल रहे केएल राहुल रोहित कुमार छपरा से हैं कह रहे हैं मतलब बैंगलोर के साइड में कहीं पे कर्नाटक से मड़वाड़ से पुणे से रोहित छपरा से हैं जो आप हाँ, आए कब थे कहाँ से थे आप बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट गया से कब गया तो गौतम बुद्ध हाँ गौतम बुद्ध वो है हाँ हाँ वही तो वो गया वहाँ से आपके जैसा पापी कहाँ बहुत जैसलमेर पापी आपके जैसा पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी पापी कहाँ से आ गया वैंकूवर से इतना शरीफ शरीफ और क्या पंजाब से इंसान आपके साथ बैठा है बोल रहे हो पापी शरीफ सही कहते हो बेटा शराबी वो जुआरी वो भले सौ गुड अवगुण हो लेकिन बेटे में कोई कमी नहीं की पराकाष्ठा है काष्ठा नहीं है आप जैसलमेर आगे आ जाएं और भी पढ़े यार आप सुपर चैट भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट चैरी को और लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को छत्तीसगढ़ से नेमी चंद मायामी से भी है भाई कराची से भी है लोग गुजरात से भी है लोग वेस्ट बंगाल से है लोग जैसलमेर से है लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से है लोग सब जगह से भुवनेश्वर सिंध पाकिस्तान सुमित मालवीय बोल रहे सुशांत भाई पाकिस्तान के नेक्स्ट पीएम मैं तो बन सकता हूँ जी मैं बन मेरे को प्यार बड़ा मिलता है ना वहाँ पे अभी देखा नहीं आपने नंबर वन ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान नंबर वन ट्रेंडिंग और सुशांत मेहता शक्तियों से आपने सेमीफाइनल हरवा दिया नंबर वन ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान सुशांत मेहता अभी भी देखिए वहाँ पे एक मोहतरमा थी उनको मैंने बात करना बंद कर दिया उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया बताइए संदीप बिश्नोई बोल रहे हैं वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट से ओपनिंग करवा लो हैं हाँ विराट से ओपनिंग हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ ओपनिंग करनी चाहिए विराट कोहली को करते नहीं खिलाते नहीं ये लोग अच्छा तैयार भाई एक नॉर्थ कोरिया मैं चाहता हूँ कि एक पोल हो जाए रीजन फॉर इंडिया डिफीट इन वर्ल्ड कप ए टीम सिलेक्शन बी चोकिंग सी लानत नहीं मतलब ए टीम सिलेक्शन बी चोकिंग ये दे दो बस दोनों इंटर रिलेटेड ही है नहीं हाँ अगर आप चोकिंग अलग है टीम सिलेक्शन अलग टीम अगर आप उस तरीके से रीजन आप लोग भी पोल में वोट करिएगा रीजन फॉर इंडिया लूजिंग इन वर्ल्ड कप्स ए चोकिंग बी टीम सिलेक्शन अच्छा थ्री मैनेजमेंट भी डाल दीजिए टीम सिलेक्शन ठीक है थ्री मैनेजमेंट मतलब कोचेस और कप्तान और ये सब है ना मेरे हिसाब से प्रेशर में परफॉर्म ना करना है सर चोकिंग लिखा है ना चोकिंग है सिलेक्शन है मैनेजमेंट का क्या करोगे आपने इसका पोल डाल दिया एक बात बताओ 2023 वर्ल्ड कप के लिए आपने जो स्क्वाड का ऐलान किया उससे बेहतर कोई स्क्वाड हो सकती थी नहीं अच्छा क्या चेंज उसमें क्या चेंज हो सकता था कोई चेंज नहीं हो सकता था मैनेजमेंट की गलती सूर्य कुमार यादव कोचिंग में आप फिर कह दो अगर अच्छा कोहली भाई साहब का स्टार स्पोर्ट्स का प्रोमो आ गया कोहली के लिए आईपीएल का उसके स्क्रीनशॉट भेजे हिमांशु ने वो भी एक बार दिखा दीजिए बिकॉज दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिक
तो उनके लिए क्या क्या किन शब्दों से उनको नवाजा गया वो भी देख लेते एक बार। सुपरचैट विराट कोहली सुपरचैट भी आ गई उदय सिंह जी की और भी आगे सुपरचैट तो वो भी दिखा दीजिएगा। उदय सिंह की दिखा दीजिए। हाँ यार जाना है भाई जहाँ पे कह रहे हैं। फहीम असलम बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई ये तो अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं जब फाइनल में आते हैं फाइनल में दब के खेलते हैं। उदय सिंह बोल रहे हैं स्पोर्ट्स यारी कम टू जम्मू यू विल एंजॉय। भाई जम्मू के राजमा भिजवा दे यार मैं राजमा नहीं खाया बड़े दिन से। उस दिन देखिए मैंने लक्षित को छोले मीट नसीब करवाया आपको कैसा लगा लक्ष्य सच्ची सच्ची बताइएगा। बहुत बढ़िया था छोले मीट और मिलता नहीं है दिल्ली में बड़े मुश्किल से मैं स्पेशली बनवाता हूँ पेशावरी डिश है तभी तो मुझे पाकिस्तान जाना था ना यार पहले ही मेरे दुश्मनों ने पाकिस्तान में जाने का पत्ता ही कट कर दिया बॉयकॉट बॉयकॉट करवा करवा के लानती कहीं के घटिया मजहब के नाम पे बांटते हो लोगों को घटिया इंसान। उदय सिंह बोल रहे स्पोर्ट्स कम टू जम्मू। हाँ यार मन तो मेरा बड़ा है जम्मू गया भी नहीं मैं बड़ा बहुत टाइम हो गया एक्चुअली कश्मीर गए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया यार 10 साल हो गए होंगे कब गया था मैं लास्ट किसी वेट पे बड़े पता है श्रीनगर हम गए थे जब CNN बना था नया नया CNN नेटवर्क 18 ज्वाइन करा था मैंने तो हमें लेके गए थे ऑफ साइड तब ऑफ साइड होता था पैसा होता था कंपनी के पास तो ऑफ साइड ले गए आधे लोग गए बस में शिमला आधे लोग गए प्लेन से कश्मीर तो मैं कश्मीर में गया था तो वहाँ पे ना जो उनका पुराना गवर्नर का कोई गोल्फ वो है गोल्फ क्लब है पहाड़ियों में गोल्फ कोर्स पूरा भाई वो गोल्फ कोर्स देख लोगे ना पागल हो जाओगे दुनिया में ऐसा नहीं होगा भाई साहब अल्टीमेट पहलगाम में हम बैठ के वो नदी चल रही है उसी में ऐसे ड्रिंक डाल दो जैसे आपने थम्स अप डाला है कुछ भी डाला ठंडी होके बाहर हो जाए 1 सेकंड में वहीं पे वो कश्मीरी मटन माय गॉड गुस्ताबा और पता नहीं क्या क्या अल्टीमेट खाना अल्टीमेट कश्मीर यार सही आपने याद दिलाया मैं इंडिया में एक्चुअली ज़्यादातर जाता नहीं गई लेकिन मन है जाने का जाऊँगा किसी ना किसी को दोस्त यार मिल जाए आपने बुलाया उदय सिंह जी तो आएंगे ज़रूर आगे आ जाइएगा पोल ऑप्शन वेरी गुड पोल ऑप्शन थे पहला चोकिंग क्यों इंडिया हारा क्यों इंडिया हारता है वर्ल्ड कप में चोकिंग दूसरा मैनेजमेंट कोचेस एक्सेट्रा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कोचेस एक्सेट्रा तीसरा टीम सिलेक्शन हाँ मैनेजमेंट टीम सिलेक्शन और चोकिंग तीन है ये जो कम्युनिटी में डालते हैं मैं कहता हूं इसके बाद हाँ कम्युनिटी में डाल दीजिए कम्युनिटी में बहुत अच्छा रहेगा कम्युनिटी में डाल दीजिए कम्युनिटी में डाल दूंगा हाँ कम्युनिटी में डाल दीजिए कम्युनिटी में देख लेते हैं और बाकी भी आप जो सवाल है वो ले लीजिए भाई लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स यारी को जोधपुर आयो क्या भाई जोधपुर गए जी मैंने रवि बिश्नोई का वहाँ पे इंटरव्यू करा था जोधपुर में आपने देखा वो बॉलिंग करा रहे हैं मैं बैटिंग कर रहा हूँ कितनी तगड़ी नेट्स में प्लेयर का पता चल जाता है तगड़ी की अब अमेजिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाने लगा मैंने मना कर दिया मनोल अपने दम पे जीत के दिखाओ रिकिन स्मिथ आ गए जी आ गए सुपरचैट जिसका हमें था इंतजार रिकिन स्मिथ आ गए जी आने ही वाले रिकिन स्मिथ वो आदमी है जिसने पिछले 8 महीने में सब कुछ देख लिया हमें तोड़ फोड़ के मरोड़ के अलग कर दिया है WTC फाइनल वो जीत गया ODI वर्ल्ड कप फाइनल वो जीत गया और Under-19 वर्ल्ड कप फाइनल हो गया रितकिन सिर्फ बोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया से मैं तो बस हंसने आया हूँ इंडिया टीम माय गॉड सही बात तुम क्यों हंस रहे हो उसके साथ सही है यार अपने जगह पे अपने दुख में दुखी है तो किसी की खुशी में भी शरीक हो जाए और क्या नहीं नची तो कोई नहीं मुझे शरीक होना इसकी खुशी में छोड़ा यार रिकिन तेरे से ऐसा बदला लेंगे ना टीम वैसे बदला भी क्या लेंगे ज्यादा सारा वर्ल्ड कप जीत लेंगे तो वैसे ही वर्ल्ड कप 2-3 जीत चुका है। मोहम्मद शहनवाज बोल रहे हैं इंडिया अगला वर्ल्ड कप केएल राहुल की कैप्टनसी में जीतेगा अच्छा उसको सबसे पहले टीम से निकालो तब जीतेंगे हम भाई जीतने का भाई उदय सिंह बोल रहे हैं आप आइए और हमें हॉस्पिटैलिटी का मौका दीजिए बिल्कुल भाई थैंक यू सो मच आप इतना प्यार करते हैं आने का बिल्कुल मन करता है लेकिन यार थोड़ा सा अब देखो इसके बाद बैक टू बैक IPL शुरू फिर वर्ल्ड कप शुरू बीच में भी बड़े काम है ना तो काम बहुत होता है भाई बहुत काम चल रहा है बहुत मजेदार और ऊपर से इन लोगों ने पांडे जी ने यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन फैला दिया ये लक्षित बेचारा ठीक वो बीमार मैं बीमार महारानी जी बीमार रॉबिन बीमार कोबरा तो मरने के कगार पे आ गया बेचारा बहुत ज्यादा प्रियांशु बीमार वो हिमांशु बीमार कोई बंदे को नहीं बख्शा यहाँ पे पांडे जी सिर्फ वो आदित्य ठीक रहा है और मेरे ख्याल मोहित थोड़ा ठीक रहा है क्योंकि वो लिटरली सैनिटाइजर पी रहे बैठ के यहाँ पे वो बच गए बेचारे बाय द वे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं हुई मुझे भी हुई थी अब तेरी वजह से सबको हुआ है अच्छा गलत षड्यंत्र है मेरे खिलाफ सबसे पहले कोबरा बिल्कुल उदय भाई कोशिश करेंगे ब्रदर आने की जी जी भाई आएंगे जरूर गुज्जू बॉय बोल रहे हैं हमारे प्लेयर्स मेंटली टफ नहीं है आई एम ह्यूज विराट फैन बट वो भी नॉकआउट्स में चोखी करता है नहीं यार उसने तो नॉकआउट में करा हुआ है ये नहीं आप बोल सकते ये तो गलत बात है आपकी विराट को तो नहीं आप उस लीग में डाल सकते चोकिंग वाली देवो प्रियो बख्शी बोल रहे हैशटैग यारी दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेइंग टू इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका यू गाइस कीप द रैंकिंग वी विल कीप द ट्रॉफी
हमेशा जीत जाते हैं भाई, हम ट्रॉफी ले जाते हैं मोस्टली भाई। ऐसे ही चल रहा है आपका हिसाब किताब, जहाँ चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही हैं और हम फंसते 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 जा रहे हैं और चीज़ें जो है वो खराब चल रही हैं। भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, और एक और जा सकती है जो जून में होगी आने वाले टाइम में, कमल शर्मा अक्टूबर में एक और मेरे हिसाब से जाएगी वुमेन्स वाली, रुक जाए यार अभी ऐसी चली जाएगी, कुछ ना कुछ जीतोगे। कमल शर्मा बोल रहे हैं केएल राहुल और फॉर्मेट ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, आवर बेस्ट फॉर्म में है, सारे फॉर्मेट में मरवाने के लिए एक ही बंदा रखा हुआ है वो केएल राहुल, हर फॉर्मेट में मरवा दे बेटा, टेस्ट में मरवा दे, ओडीआई में मरवा ले और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में मरवा दियो, बस एक ही आदमी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपको केएल राहुल जिताएगा। भाई कंचों का वर्ल्ड कप होगा तो शायद उसका चांस है, मुश्किल लग रहा है पांडे, ये वहम अच्छा है पर मुमकिन नहीं। चलिए फिर अभी मेरे ख्याल से इजाजत ले लेते हैं दोस्तों, और सारी बात हो ही गई है, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैरी को, अभी हमें इजाजत दे दीजिए, जय हिंद जय भारत।